हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया एंड वेस्ट एशिया। आईआरकी सीरीज का ये 18th चैप्टर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंडो पैसिफिक रीजन की बात करी थी, वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक रीजन की, नॉट ऑफ अ कंट्री बट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन अ पर्टिकुलर रीजन। बट बिफोर वी कैन मूव अहेड विद दैट, वी हैव टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड दिस was the word that was used to describe the countries that we are going to talk about. But ye word kahan se aaya aur kyun hum Middle East ki jagah West Asia use karte hain, usko samajhne ke liye you have to understand how maps work. Okay, hamare jo aaj ke map hain ye pehle kai tarike ke hua karte the, but the most modern form of map that we use has been made from the point of view of America. theek hai, to us map mein aap dekhoge ki top mein यहाँ पे होता है अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप सेंटर में, यहाँ पे मिडल ईस्ट, यहाँ पे चाइना इंडिया एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। सो इट हैज बीन मेड टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज केप्ट ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी जैसे हम लिखते हैं तो पेज हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नॉर्थ वेस्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। सो द मैप इज मेड इन सच अ वे, बट इन रियालिटी वी नो द मैप इज ऑल अराउंड, राइट। सो कई बार आपने ये सवाल भी इंटरनेट पर होता है कि ये लोग को लड़ना ही है अगर रशिया और उसको, तो अपनी तरफ से लड़ो ना, बिकॉज इफ यू गो ऑन द अदर साइड ऑफ रशिया, चाइना इस तरफ, देन यू हैव यू नो यू पैसिफिक ओशन के ऊपर से लड़ाई करें ना यूएस और रशिया, वाई डू दे हैव टू फाइट इन द मिडल हियर, राइट। सो द रीजन बींग की वी डोंट सी द मैप लाइक दैट, वी सी इट लाइक दिस। ओके, द फार्देस्ट हियर इज यू नो द नॉर्थ, द मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इज अमेरिका एंड द मोस्ट सदर्न ईस्टर्न इज ऑस्ट्रेलिया। दैट्स हाउ वी सी द मैप, बट इन रियालिटी लॉट ऑफ कंट्रीज आर टू मच क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू। तो अब उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस अमेरिका हैज बीन कॉन्स्टेंटली कॉलिंग दिस रीजन एज मिडल ईस्ट। इन रियालिटी साइंटिफिकली दिस इज एशिया, ओके, दिस इज यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका। दैट्स हाउ वी सी द मैप, that's how continents are divided, right? So from that point of view, this becomes central, this basically has become Asia, this is southeast Asia, this is central Asia, and this is west Asia. So this is how we see Asia, and then this is obviously Europe and this is African nation. But when Americans are talking about Middle East, they tend to consider all of these, this entire region they consider as Middle East. Okay, it has some, it also includes a part of you know Central Asia, it includes most of West Asia and some of North Africa. Okay, so according to US, this is what is Middle East for them. So Egypt also comes under Middle East. But when we are talking about West Asia, we are not going to talk about Middle East, because Egypt falls in Africa, not in Asia. So this is where you can understand the difference between West Asia and Middle East. So you are clear ki jab agar question mein agar Middle East kaha hai, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू से, एंड वेस्ट एशिया कह रहे हैं तो क्या कहना, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो और वो क्रिटिकल टेक्स्ट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और उसमें किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर ईस्टर्न स्कॉलर्स पसंद नहीं करते हैं कि इस रीजन को मिडल ईस्ट कहा जाता है, बिकॉज उनका कहना है कि ये डेरोगेटरी है एंड दे वुड रादर वॉन्ट यू टू, हम अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कुछ और नाम से बुलाएं तो दे विल नॉट लाइक इट, राइट। एवरीवन हैज सर्टन एसोसिएशन विद देयर ओन लैंड, है ना, तो इसलिए उनको पसंद नहीं है। तो कभी कभी अगर आप किताब कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें अगर मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स सॉर्ट ऑफ कमिंग फ्रॉम यू नो अमेरिका यूरोप, बट इफ इट्स टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशिया इट्स प्रॉब्ली अ मोर ग्लोबलिस्ट अप्रोच और मे बी कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। सो दिस इज अनदर वे यू कैन रिकॉग्नाइज वेयर इट इज। आई होप दिस इज क्लियर दैट दिस इज वॉट वी कंसिडर एज वेस्ट एशिया, ओके, दिस इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन।
सो हम इसी रीजन के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन ओवरव्यू क्या सिग्निफिकेंस है वेस्ट एशिया का, फिर इंडिया सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप, इंडिया ईरान के रिलेशनशिप्स और राइवलरी, ईरान सऊदी अरेबिया का रिकंसिलेशन, इसराइल और ईरान का रिलेशनशिप, इंडिया और यूएई का, और फिर कैसे हम वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो चैलेंजेस हैं उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, ये हम समझेंगे इस लेक्चर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यहाँ की ज्योग्राफी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड न्यूज बहुत आती है. तो इफ यू नो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इसी तरह के आते हैं. इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल न्यूज एंड ज्योग्राफिकल न्यूज फ्रॉम करंट अफेयर्स, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं. तो दिस इज वाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टू रीड एंड इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज टू स्टडी. सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 में आया था, एरिया फॉर कंफ्लिक्ट एंड कंट्री वेयर इट इज मेंशन्ड इन द न्यूज. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया हुआ है ये बताना है. तो डोनबास इज एक्चुअली इन यूक्रेन. डोनबास इज द रीजन जिसके जो न्यूज में था अभी रिसेंटली बिकॉज रशिया ने उस पर ऑक्यूपाई कर लिया था. कचिन इज इन म्यांमार. कचिन इज बेसिकली जैसे इंडिया का कश्मीर है ना नॉर्थ ईस्ट मोस्ट स्टेट, वैसे कचिन इज म्यांमार का नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थर्न स्टेट, एंड इट इज वेयर द कचिन रिबल्स बेसिकली लिव. एंड उनके बीच में और म्यांमार जुंटा आर्मी के बीच में बहुत बहुत झगड़ा चल रहा है. और रिसेंटली यूएन ने पॉइंट आउट भी किया था कि जो म्यांमार मिलिट्री है उन्होंने पूरे के पूरे कचिन में बॉम्ब मतलब पूरे विलेजेस के ऊपर बॉम्ब डाल दिया, मतलब फोड़ दिया. एंड देन यूएन वॉज लाइक कि ये तो वॉर क्राइम है, यू शुडंट डू दिस बिकॉज दैट डजेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पीपल यू आर ट्राइंग टू फाइट विथ द रिबल्स एंड द सिविलियन विलेजेस. सो दैट वॉज वॉट कचिन वॉज इन न्यूज फॉर. टिग्रे इज बेसिकली अ प्लेस इन इथियोपिया. सो टिग्रे इज लाइक द कचिन ऑफ इथियोपिया. ठीक है, वहां पे रिबेल्स रह रहे हैं और दूसरे रीजन के लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है. 2020 से 22 तक चली है, ये दो साल के बीच में काफी खतरनाक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है. सो इफ यू सी इट लाइक दिस, नन ऑफ देम मैच. ओके, सो द आंसर इज डी, नन. ओके, सो नाउ यू हैव टू, सो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज अबाउट दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर द प्लेसेस दैट आर हैपनिंग. ओके, नेक्स्ट इज दो स्टेटमेंट लिए हुए हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू. 2023 का क्वेश्चन है ये और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. ठीक है, और स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर. ओके, हाँ, तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि या तो दोनों सही है और स्टेटमेंट टू इज अ गुड रीजन फॉर वाई स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्टेटमेंट टू इज नॉट द रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली सही है पर एक दूसरे का रीजन नहीं है. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज. सो नाउ वील रीड कि पूछा गया, आप समझ में आ गया हमको राइट कि इन दोनों स्टेटमेंट में किस तरीके का रिलेशनशिप है वो जानना है हमें. स्टेटमेंट वन इज इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स. सो दिस इज ट्रू, इसराइल ने कई सारी अरब कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बना है. दैट केम्स एज अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया था, दैट वॉज पार्ट ऑफ दिस राइट टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप. सेकेंड स्टेटमेंट, द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वॉज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, हाउएवर द अरब इनिशिएटिव वॉज नॉट डन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक लाइन बट फॉर सीज फायर एंड बेसिकली बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल. और यह बोला गया था कि अगर बेसिकली अगर इसराइल पैलेस्टीनियन को अपना लैंड दे देता है, अपनी आइडेंटिटी दे देता है इंडिपेंडेंट स्टेट और उनके ऑक्यूपाइड एरिया पर अगर छोड़ देता है और उन्हें पीसफुली एग्जिस्ट करने देता है, तो उसके बदले अरब कंट्रीज जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगी, एम्बेसी एस्टैब्लिश करेगी एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट अरब पीस इनिशिएटिव वॉज. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट they also happened in the same time, but statement 2 is not the reason why statement 1 happened. That happened, Abraham Accord were signed because of US. US mediated it. Whereas this one was done by Saudi Arabia. So both of them are correct.
However, statement 2 is not the correct answer for reason for statement 1. Next question again 2023 में आया था. बहुत सारे question आए last year, so you can expect कि next year also ये important बन जाता है geography questions के point of view से. Again, regions often in news and reason for being mentioned, North Kivu and Ituri. Okay, North Kivu and Ituri are basically places in Ethiopia. नहीं, Republic of Congo. Oh, I'm so sorry. Republic of Congo. Sorry, my bad. Okay, these are two states in Republic of Congo, जहां पर basically civil war चल रही between these two regions. Nagorno Karabakh जो है, this is basically the region जो अजरबैजान में है, लेकिन इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो आर्मेनियन आइडेंटिटी के हैं. इसके ऑक्यूपेशन के कारण, मतलब बेसिकली आर्मेनिया को लगता है कि ये एरिया उनके अंडर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आर्मेनियन मेजॉरिटी है. बट अकॉर्डिंग टू सम पास्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट, दैट रीजन वॉज गिवन टू अजरबैजान. सो उसको लेकर ये रीजन के ऊपर झगड़ा हो रहा है. खेरसन एंड ज़ापोरिज़्ज़िया, दिस इज बेसिकली द रीजन इन यूक्रेन दैट वॉज कैप्चर्ड बाय रशिया when रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्टेड. सो दिस इज इन यूक्रेन. ओके, नाउ सो दिस इज दिस नो. ओके, सो ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग. सॉरी, नॉन डी आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टाउन्स समटाइम्स मेंशन इन न्यूज एंड कंट्रीज. क्या करना है, पेयर गिवन अबव आर करेक्ट, सही पेयर निकालने. अलेप्पो एंड सीरिया, यस दिस इज करेक्ट. अलेप्पो इज अ सिटी इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ सीरिया, जहां पर इट्स वन ऑफ द बिगर सिटीज, क्योंकि सीरिया में दो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. वन इज इन डमास्कस विच इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, एंड अदर वन इज अलेप्पो. एंड इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज इसराइल अटैक्ड अलेप्पो वेन दे वर फाइटिंग रिसेंटली. सो दैट्स वॉट इट वॉज इन न्यूज फॉर. किरकुर इज इन इराक, नॉट इन यमन. दिस बेसिकली इज वेयर द अरब्स एंड द कुर्द माइनॉरिटी आर फाइटिंग. सो वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड मोस्ट लॉन्गेस्ट गोइंग रीजनल सिविल वॉर इन मिडल ईस्ट इज गोइंग इन किरकुर. सो दैट्स वॉट फेमस. मसूल इज ऑल्सो इन इराक. दिस इज ओके. सो यू कैन रिमेंबर मसूल बिकॉज इट वॉज देर इज अ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसमें यू नो ऑन इन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज ऑल्सो मसूल. इसमें बेसिकली स्वाट टीम, यूएस एंड यू नो वेस्टर्न कंट्रीज की स्वाट टीम जो है वो आइसिस से, शायद आइसिस या फिर हाँ आइसिस से लड़ रही है इन 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 मसूल. तो उसके ऊपर ये सीरीज है. सो यू डोंट रिमेंबर इट. मजर शरीफ इज इन अफगानिस्तान, येस दिस इज करेक्ट. मजर शरीफ आपने अभी रिसेंटली देखा, अगर अभी तो रिसेंटली नहीं, दिस इज बिफोर तालिबान यूएस लेफ्ट. बीच में एड चले थे अफगानिस्तान टूरिज्म की, तो उस एड में एक बहुत सुंदर सी मतलब मॉस्क का पिक्चर था. इट वॉज लाइक पीछे पूरा येल्लो था एंड इट वॉज शाइनी ब्लू, लाइट ब्लू कलर की बहुत सुंदर मॉस्क है वहाँ पे. सो दैट मॉस्क इज एक्चुअली मजर शरीफ, यूजली इट्स जस्ट कॉल्ड मजर, एंड इट्स लाइक सो ब्यूटिफुल, यू शुड सर्च इट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेज इन द वर्ल्ड. रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज बिकॉज देर वर अ लॉट ऑफ तालिबान क्रिएटेड वायलेंस इन दिस रीजन बिकॉज इट्स वन ऑफ द प्रॉस्परस रीजन इन अफगानिस्तान. तो अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक न्यूज आया था अबाउट तालिबान किल्ड मेंटली इल एंड एल्डर पर्सन बाय शूटिंग डाउन नियर द मजार. प्लस बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी रिसेंटली हुए हैं सीरिया में. सो फोर्थ इज करेक्ट. सो वन एंड फोर्थ, दिस थिंग्स कैन इजिबली आंसर्ड इफ यू जस्ट यू नो इफ यू आर रीडिंग न्यूज, दैट शुड बी आंसरेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक इमीडिएटली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. दिस 2018 में क्वेश्चन आया था. द करेक्ट आंसर इज अराल, बट आई ऑलरेडी नो इट. बट इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट लाइक दैट, हर सी के साथ में ना यू कैन रिमेंबर वॉट वॉज हैपनिंग देयर. सो दिस विल गिव यू एन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर ब्लैक सी एज जब रिसेंटली आपको याद है स्नेक आइलैंड
जब जब यूक्रेन और रशिया की झगड़ा चालू हुआ था, स्नेक आइलैंड कैप्चर कर लिया था दो शिप्स ने रशिया की, और वहां पे उस वक्त यूक्रेन की एक छोटी सी टुकड़ी सेना थी, एंड रशिया सेंड अ मैसेज सेइंग आप सरेंडर कर लो, एंड द यूक्रेन ऑफिसर सेड कि सम एक्सप्लिसिट वर्ड्स की टू रशिया, एंड देन इट बिकेम अ ह्यूज न्यूज, इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक द दैट न्यूज वॉज द वन दैट ब्रोक the internet and like the and brought the entire community, international community, in support of Ukraine. So if you remember, that Snake Island is actually in Black Sea, so clearly that island is not the one that is shrinking. Lake Baikal is very famous. If you have seen, internet has been recently stormed with a lot of pictures of frozen lakes. Okay, lakes matlab ekdam clear lake hai, people are walking on it and they can see the water and the fishes inside, but it's completely frozen. It is one of the cleanest and bluest and biggest lake, and this is in Russia. So this is usually something you can know. That's why, see, oftentimes students tell ki hame preparation karna hai to we have to switch off social media and not be part of any social media, just focus on studies. But this is questions like this only challenges these things, because books mein इस पर्टिकुलर लेक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा, मतलब इट बिकम्स अ वेरी बोरिंग न्यूज, बोरिंग टेक्स्ट व्हेन यू आर रीडिंग इट इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी. बट इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया यू वुड नो अबाउट दिस मोर बिकॉज ऑफ हाउ सिंपली वायरल दिस लेक इज. सो यस, इट्स डिस्ट्रैक्शन इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, एंड इफ यू फील कि सोशल मीडिया बंद करने से आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो तो गो फॉर इट. बट इफ यू आर समवन हु हैज द कैपेसिटी टू मैनेज द टाइम, I would say that आजकल बहुत increase हो गया है questions coming from viral internet moments. ऐसे questions एक दो आने लग गए हैं, but इतने ज़्यादा नहीं है. So if you have no control over how much social media you use, because they are, social media is जान करके addictive. So I can completely understand. But yeah, थोड़े थोड़े time में break लेके you can always go on social media. It's not that bad. थोड़ा थोड़ा break is good. So the correct answer is A. हाउ डू आई नो दिस वन ऑल्सो, ऐसा तो आई नो द न्यूज ऑल्सो, बट इसके भी बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे होंगे, आ रहे होंगे क्या रिसेंटली सोशल मीडिया पे, वेयर देर इज दिस लेक विच इज एंटायरली बड़ी बड़ी शिप्स बैठी हुई है, ठीक है, मतलब जमीन पे, एंड पीपल आर वंडरिंग कि इतने डेजर्ट में ये शिप कैसे आई, एंड इट्स बिकॉज वहां पे एक समय पे पानी हुआ करता था, बट इट्स नॉट देयर एनी मोर. व्हाई डिड दिस हैपन? It's because, yes, so some change in the crop. So, cotton cropping karne ke karan, a lot of water has been used in, I think, Kazakhstan, which has led to Aral Sea, basically the lake going, like it's gone almost 40%. It used to be, 1960s mein, it used to be one of the biggest lakes, and now it's almost gone. The term two-state solution is sometimes mentioned in the news in context of affairs of 2018 ka question hai. The answer is Israel. The basical idea was that, kyunki ab isi ka ulta hota hai, yahan two state ki jagah one state hota, one nationhood ya one, to which China sahi answer hota. But two nation solution is basically ki because of what is happening with Palestine and Israel, and the idea that both the nations should be allowed to exist, and somehow dividing it in a way where Palestinians can also live peacefully and Israelis also. Next question is, what is the importance of developing Chabahar port for India? 2017 mein question aaya tha, jab hum India aur Afghanistan aur Iraq ki baat kar rahe the, tab ye question humne solve kiya hai. The correct answer is C. India will not depend on Pakistan to access Afghanistan. But this also, so how we can prove these three are wrong? One is Pakistan will facilitate, Pakistan will not facilitate anything that helps India. So ye to galat hai. India's trade with Africa doesn't get impacted from where the Chabahar boat is, because that area is not, because we already have so many ports, Mumbai, Goa, is pura region mein jahan se ja sakta hai saman. So we actually don't need particularly Chabahar port for trade with Africa. And so ye to galat hai, ye bhi galat hai. The India's relationship with oil producing countries will be strengthened. Yes, but it might not be necessarily through Chabahar port. Other projects are there which are working on this. So that's why the C is correct. Next question, Mediterranean Sea is a border of which of the following countries? Jordan, Iraq, Lebanon, Syria. So we know that Jordan is a landlocked country. Except one port, it's called Aqsa,
अलक्सा पोर्ट और समथिंग, फॉरगेटिंग द नेम, दैट इज द पोर्ट विच वॉज बेसिकली ट्रेडेड विद सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने बेसिकली जॉर्डन को एक पोर्ट दिया था. इट ओपन्स अप इन द रेड सी. अदर देन दैट इट्स लैंडलॉक. सीरिया हैज, यस, इट्स इट ओपन्स अप इन द मेडिटेरेनियन सी. लेबनान, यस. इराक, नो. सो द करेक्ट आंसर इज 3 and 4. सी, इराक इज ऑल्सो अ लैंडलॉक कंट्री. सो लेबनान एंड सीरिया. सो वी हैव अ मैप हियर, यू कैन सी दिस इज मेडिटेरेनियन सी. यहां पे दिस इज द बॉर्डर ऑफ, सॉरी, दिस इज माय बैड, दिस इज टर्की, दिस इज सीरिया, दिस इज लेबनान, दिस इज इजराइल, दिस इज अ स्मॉल पोर्ट दैट सऊदी अरेबिया हैड गिवन टू जॉर्डन टू बी एबल टू एक्सेस रेड सी. अदर देन दैट यू हैव इजिप्ट, लिबिया एंड टूनिशिया. एंड यू हैव, यू माइट हैव हर्ड रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा ना, कि कई सारे टूरिस्ट, कई सारे इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज बोट में भर भर के एंड दे आर गोइंग टू यू नो यूरोप जाने के लिए, दे आर एंडिंग अप इन इटली. सो इट्स बेसिकली हैपनिंग हियर ओनली, क्योंकि लिबिया में वी नो देर इज सम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्लेवरी ट्रेड चल रहा है. एंड अफ्रीकन देशों में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ से जो भी माइग्रेशन होता है रिफ्यूजीज का, वो दे कम अप टिल हियर एंड देन दे टेक अ बोट फ्रॉम हियर टू एंड अप इन ईदर ग्रीस और इटली. एंड देन फ्रॉम देयर देर इज दिस थिंग दैट समथिंग कॉल्ड वेट फीट, ड्राई फीट. बेसिकली कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इफ द पीपल हैव लैंडेड एंड देयर फीट आर ड्राई, मतलब पानी उन्होंने पीछे छोड़ दिया और ड्राई लैंड पे वो आ चुके हैं, उनके फीट ड्राई हो चुके हैं, देन द कंट्री कैन नॉट रिफ्यूज देम, बिकॉज नाउ दे आर रिफ्यूजीज एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ यू कैन नॉट रिफ्यूज देम. दिस इज द रीजन वाई बीच में यूएन हैड, और द वर्ल्ड एक्चुअली हैड अक्यूज इटली एंड ग्रीस ऑफ यूजिंग देयर नेवी टू शूट डाउन बोट्स फिल्ड विथ माइग्रेंट्स हु देन डाइड, बिकॉज इफ दे वुड हैव रीच द शोर एंड वुड हैव यू नो स्टेप्ड ऑन द लैंड, देन ग्रीस और इटली और दीज कंट्रीज वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. सो दैट इज ऑल्सो द सी दैट दे यूज, इट्स द मेडिटेरेनियन थ्रू विच दे कम. सो जस्ट टू रिमेंबर, क्योंकि इफ यू कनेक्ट दीज इन्फॉर्मेशन टूगेदर इट्स ईजियर टू रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन अप इन द मेडिटेरेनियन सी. तो वी नो कि सीरिया तो होता है, इसराइल भी होता है, जॉर्डन नहीं होता है, लेबनान भी होता है. तो करेक्ट आंसर इज बी, जॉर्डन इज द ओनली वन. जॉर्डन का एक ही पोर्ट है दैट ओनली ओपन अप इन रेड सी, वो भी सी शोर नहीं है, बस एक पोर्ट है जो उनको दिया गया है. दे डोंट हैव यू नो क्या बोलते हैं उसको, कोस्टल लाइन नहीं है उनकी. टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन. ब्लैक तो वापिस जाते हैं उस पर, टर्की कहां पे है. सो दिस इज, वेयर इज टर्की, दिस इज द टर्की. सो टर्की किसके बीच में है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन के बीच में. बी इज द करेक्ट आंसर. अब कुछ मेंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाउ विल आई टू यू टू, इंडिया इजराइल यूएसए एंड यूएई ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म्स इंडिया एंड पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स 2020 में आया था. दिस इज रिलेटेड टू वेस्ट एशिया बिकॉज ऑफ इजराइल एंड यूएई. ओके, ये दोनों कंट्रीज जो है, वी ऑलरेडी नो बाय यूएस इज इंटरेस्टेड इन, ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन यू नो सेंट्रल एशिया. सो हाउ डज इंडिया गेन टू एड टू दिस, बींग एडेड टू दिस. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वी टॉक अबाउट आई टू यू टू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ. डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ यूएस विड्रॉल एंड इट्स अक्यूजेशन ऑफ कल्चरल बॉडी एज बींग एंटी इजराइल बायस. बेसिकली यूनेस्को इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स विद ओल्ड आर्किटेक्चर एंड यू नो एरियाज दैट बोलते ना ट्रेजर, कल्चरल ट्रेजर्स लाइक मॉस्क्स एंड बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. पर रिसेंटली बिकॉज, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वेरी सिंपल, इजराइल इज यूजिंग अपोजिंग यूनेस्को बिकॉज ऑफ व्हाट यूनेस्को इज सेइंग ऑन द प्लेस विच इज जेरूसलम, जहां पे तीनों रिलीजन का सेंटर है. एंड यूनेस्को हैज अपोज्ड इजराइल सेइंग कि यू आर ट्राइंग टू यू नो से रॉन्ग थिंग्स टू ऑक्यूपाई दिस लैंड. अब क्योंकि यूएस सपोर्ट्स इजराइल, सो यूएस विथड्रू फ्रॉम यूनेस्को, which was very difficult because for UNESCO, because as always in most of the international organizations
यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर. सो जब पैसा चला जाता है यूएस का तो बहुत सारी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेढ़ी हो जाती है. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं है और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई है, और क्योंकि वो लोग इतने ओपनली बेसिकली जो इंडिया में भी होता है सब जगह होता है भाई. देखो कि आज अगर आप लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के एक्शंस के अगेंस्ट कुछ बोलोगे और इफ यू आर ऑक्यूपाइंग अ प्लेटफॉर्म दैट इज कंट्रोल्ड बाय देम, दे'ल किक यू आउट, राइट. तो सेम थिंग इज हैपनिंग बिकॉज यूनेस्को वॉज वर्किंग ऑन द मनी ऑफ यूएस because they started fighting with Israel, which is an ally of US. US withdrew and that created a lot of mess, which is one reason why aisa kaha jata hai ki international organizations jo especially UN wagera ho gayi, inka koi, they are not as powerful because they function on the money and the money is not given equally. किसी भी organization को सारी countries बराबर पैसा नहीं देती है, क्योंकि it's not possible for a small country like you know Sri Lanka or Maldives to give as much as a country like US can give, right? It doesn't make sense. तो usually कितना पैसा एक organization को दिया जाएगा ये depend करता है GDP के ऊपर. तो आपके GDP के point of view से decide किया जाता है, तो इसलिए छोटी countries कम पैसा देती है. But the truth is this seems the most equitable way to function. However, this also means that countries like China and US give a lot more you know money, and at the end of the day there is a reason why political institutions are supposed to be independent, क्योंकि जो उसमें पैसा दे रहा है वो अगर वही इन्फ्लुएंस करने लगेगा, राइट, क्योंकि उसके पैसे की वैल्यू है, वो अपना पैसा हटा देगा तो यूनेस्को की तरह यू नो द ऑर्गेनाइजेशन विल फेल. सो दिस इज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इन व्हाट वेज वुड एन ऑनगोइंग यूएस इजराइल यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कॉन्ट्रोवर्सी अफेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन. 2018 में आया था, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट वॉज हैपनिंग इन 2017, बिकॉज इंडिया ऑल्सो हैज इंटरेस्ट इन गेटिंग बेसिकली न्यूक्लियर इनरिचमेंट यूरेनियम व्हाटएवर दैट इज फ्रॉम ईरान, बट इनकी डील ही खत्म हो गई तो इंडिया का भी उसमें से हाथ धो दिया. विल स्टडी अबाउट इट लेटर, इसी लेक्चर में हम आगे इसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक. दो चीज, एक तो इजराइल जो है ना वो जब भी कोई भी कंट्री जो नॉन इस्लामिक है और वो किसी दूसरी कंट्री के साथ में यू नो इज इन डिस्प्यूट, इजराइल जाके उनके पीछे खड़ा हो जाता है, ठीक है. एंड इजराइल हैज बीन डूइंग इट टू ऑल ऑफ देम, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया बट एनी कंट्री आप यू पिक अप, दे हैव बीन डूइंग इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे लाइक द पॉलिसी ऑफ देम और नॉट. दे आर इवन रेडी टू यू नो बी विथ चाइना फॉर दैट मैटर, दे डोंट केयर अबाउट whether what the country is doing right or wrong, they'll stand behind you as long as you're opposing an Islamic country. That plus what it does is being with Israel also means being with US, and that means that India supporting US would mean that they are going away from their non-alignment. So ek bar agar India aur Israel ka relationship bahut zyada strong ho gaya, so humne international platform mein already dekh liya hai ki US and Israel are thick as thieves, right? So India's association with Israel will be seen as India's association with US, and that would mean we will officially not be non-aligned and we'll be aligned with the Western court. And this is also very difficult and it cannot be rolled back because India for the last 70 years have focused primarily on not supporting West because they oppose imperialism, and that's the same thing that many people are calling what is Israel's occupation of Palestine, which is neo-imperialism, right? It's a new form of colonization according to a lot of people. So when India starts supporting that, it will kind of be going back on its own words, right? Licking back the spit, which is something that they cannot go back to. So this we'll discuss again jab Israel ki baat karenge. Question of India's energy security constitute the most important part of India's economic process. Analyze India's energy policy condition with West Asian countries. So, yahan pe we are going to talk about India, Kuwait, India, UAE, India, Saudi Arabia, and Iran. Iran to nahi, Iraq. Yeah, bas in teen countries ke par focus karenge because wahin se hamara sabse zyada एनर्जी आता है. तो वी आर गोइंग टू बस टॉक अबाउट कि उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और उससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट करता है. विल डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज कंट्रीज इंडिपेंडेंटली. सो वेस्ट एशिया क्या है, व्हाट इज इट, इज अ सब रीजन इन एशिया.
ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय यूरोप ऑन द वेस्ट, तो वेस्ट एशिया के वेस्ट में यूरोप है, सेंट्रल एशिया है नॉर्थ में, और साउथ एशिया है ईस्ट में, अफ्रीका है और अरेबियन सी है साउथ में, ठीक है. सो दिस इज अफ्रीका, अरेबियन सी, दिस इज सेंट्रल एशिया, दिस इज यूरोप. कौन सी कंट्रीज आती है इसमें? आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरैन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ईरान, ओमान, पैलेस्तीन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई एंड येमेन. विच आर द कंट्रीज दैट डू नॉट कम हियर? इट्स द सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, विच इज तजकिस्तान और उज्बेकिस्तान. ये जो कंट्रीज है इस तरफ जो आती है इन्हें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दिस इज वॉट वेस्ट एशिया इज कंसिडर्ड. इट इज बेसिकली वेरी डाइवर्स लैंडस्केप. ठीक है, इन कंट्रीज के बीच में कल्चरली इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, स्पेशली लाइक इफ यू कंपेयर कंट्रीज सच एज टर्की विच इज सो मच यू नो लिबरल, एंड देन दिस ऑन द अदर हैंड यू हैव समथिंग एज इराक विच हैज सीन, और ईरान फॉर दैट मैटर विच हैज सीन द मोस्ट ब्रूटल साइड ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन. So these two countries, even though both of them are Islamic and most of them are, but then you also see that they stand very separated in their ideologies and the way they, you know, function. Now this sub-region is strategically located in the crossroads of multiple continents. Of course, the importance of this region is because, देखो, America और South America से connection जो था वो Europe में था, ठीक है? और यूरोप में और अमेरिका में लोगों को क्या चाहिए था? स्पाइसेस एंड टी. वो कहाँ से आता था? वेस्ट ईस्ट एशिया से, राइट? एंड स्पाइसेस आती थी साउथ एशिया से, तो यहां से ही जाता था. और उसके क्रॉस रोड में, और यहां पे अफ्रीका है, तो अफ्रीका से सामान, साउथ एशिया से, ईस्ट एशिया से, ये सब होते हुए जाता था सेंट्रल वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया से. तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये रीजन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, और ज्यादातर ट्रेड पुराने समय में यहीं से गया था. सिल्क रोड जिसकी हम बात करते हैं, यूज टू कनेक्ट द सिविलाइजेशन इन द पास्ट, ऑल वर गोइंग फ्रॉम हियर. सो दिस प्लेस हैज सीन अ लॉट ऑफ ह्यूज यू नो सोशल एंड ह्यूज सिविलाइजेशन दैट हैव कम एंड गॉन. इसलिए दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. ओवर द टाइम वेस्ट एशियन रीजन हैज बीन सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट जियो स्ट्रेटेजिक डिसरप्शंस, और सबसे ज्यादा झगड़े भी यही हुए हैं, सबसे ज्यादा वॉर्स भी यही हुई है, और सबसे ज्यादा जो है पीस और सिक्योरिटी को किसी ने अफेक्ट करा है तो वो इसी रीजन के कंट्रीज ने के कारण हुआ है, या इसी रीजन के कारण हुआ है, नॉट द कंट्रीज, अदर कंट्रीज कमिंग टू दिस रीजन. आई डिडंट से यूएस, बट आई सेड यूएस. The region is currently undergoing a tectonic shift, which basically, you know, tectonic shift, जब tectonic plates हिलती है और तो उसे उसको tectonic shift कहा जाता है. उसका response ये होता है कि जिस area के अंदर ये shift होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप and volcanoes eruptions होते हैं. So which is also true for this area, बहुत सारे recently और बढ़ने वाले हैं, मतलब हो भी रहे हैं earthquake और बढ़ेंगे. Specifically this region marked by the formation of new regional alliance. उसके अलावा आप देखोगे West Asia has seen a lot of different in modern history, like the one we can talk about from 1700 की बात से, जो हमने history देखी है उसमें इस एशिया में इस region में बहुत अलग अलग तरीके के you know रिलेशनशिप रही. लाइक एक टाइम था जहाँ क्रिश्चियन और इस्लाम एकदम कट्टर थे, एंड नाउ वी आर सीइंग यू नो ज्यूइज्म कम्प्लीटली वैनिश हो गया था. नाउ इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इसराइल, एंड नाउ वी सीइंग कोलैबोरेशन बिटवीन ज्यूइश एंड इस्लामिक एंड क्रिश्चियन एंड इस्लामिक. एंड दीज टाइप ऑफ न्यू ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक ही लाइफ टाइम में देखना दो कट्टर झगड़े करने वाले लोगों को एक साथ मिलकर काम करते हुए, दैट्स अ ह्यूज शिफ्ट इन पॉलिटिक्स. यूजुअली अगर दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा होता है तो वो हमेशा दिखता है. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस एंड इंग्लैंड, दे डिड नॉट लाइक ईच अदर वेरी वेल, एंड इट्स एविडेंट इन देयर हिस्ट्री. बट इवन टुडे यू कैन सी दैट दे डोंट रियली लाइक ईच अदर. लाइक दे हैव कम टुगेदर टू वर्क बट दे डोंट. बट इससे बहुत ज्यादा तगड़ा शिफ्ट हमें सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है कि कंट्रीज हु वर नॉट एट ऑल, मतलब इतना झगड़ा हुआ और उसके बाद भी समहाउ दे आर कमिंग बैक इन टू द वर्ल्ड विथ यू नो अलायंसेज.
कंपाउंडिंग द सिचुएशन देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इजराइल, सीरिया एंड यमन. तो ये तीनों कंट्रीज है जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है. अब बात करते हैं कि वेस्ट एशिया का सिग्निफिकेंस क्या है. सबसे पहला ऑब्वियसली सिक्योर एनर्जी सिक्योरिटी. इंडिया कहां कहां से एनर्जी लाता है उसमें देखोगे, ये है अदर्स, उसमें सबसे ज्यादा आती है इराक से, फिर सऊदी से, फिर ईरान से, फिर यूएई से, फिर लास्ट यूएस से. सो इफ यू सी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ, यूएस को अगर हटा दो तो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम दिस रीजन. इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वेस्ट एशिया इज क्रूशियल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया एंड सब्सटैंशियल इंडियन इन्वेस्टमेंट. तो क्योंकि हमारा एनर्जी नीड्स बहुत है वेस्ट एशिया से, इसलिए इंडिया टू बी इन अ गुड साइड ऑफ द कंट्रीज हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन दिस रीजन, राइट. अगर आपका किसी रीजन में इंटरेस्ट हो तो वहां ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ना, बिकॉज यू गेन टू यू वॉन्ट टू बी एबल टू कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल. अगर आपको पता है ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छा कर रही है और आपको बहुत इंटरेस्ट है इसमें और वो बहुत प्रॉफिट में जा रही है, तो आप क्या करोगे, यू विल बाय इट्स शेयर्स, राइट. So, which is exactly what investing in other countries is like. You know that country is important, you know you tend to gain from it, so you invest in it by investing in infrastructure in that country. And hence, India has invested a lot. Especially, that's the reason why they have invested in Iran, Chabahar Port, Afghanistan, and so on. According to UN Comtrade database, Iran and the GCC, Gulf countries, member state accounted for 15% of the share of India's cumulative two-way merchandise trade from 2017 to 2021. So, in 4 सालों में इंडिया का टोटल जो ट्रेड हुआ है उसका 15% ईरान और दूसरे गल्फ मेंबर कंट्री से हुआ. सो ऑल्सो नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट एनर्जी सिक्योरिटी, बट ऑल्सो ह्यूज ट्रेड पार्टनर्स. डायस्पोरा, द सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा स्पेशली इन गल्फ कंट्री प्लेज अ पिवोटल रोल. आपको पता होगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, यहाँ पर जो बिकॉज दे दीज वर स्मॉल कम्युनिटीज, फैमिली कम्युनिटीज, मतलब रूलिंग फैमिलीज थी, और उन्होंने सडनली दे गॉट रियलाइज की दे आर सिटिंग ओवर गोल्ड विच इज द फॉसिल फ्यूल. Then they started using this fossil fuel and they earned a lot of money. But उनकी population, और उन्होंने क्या किया, एक जना ये oligarch की तरह काम नहीं करता है कि मतलब दो तीन जने बहुत रईस हो गए बाकी सारे normally रह रहे हैं. वहां पर government ऐसी बनी कि उन्होंने you know सबको बराबर में बांटा. Even आज भी सऊदी princes वगैरह को कुछ नहीं करने पर भी stipend मिलता है because they have a हिस्सा in that thing. So that is the reason why वहां पर tax नहीं लिया जाता लोगों से. But लेबर की शॉर्टेज, बिकॉज सब लोग इतने अमीर है तो काम कौन करेगा, तो इसीलिए ज्यादातर लेबर जो है वो इन्हीं रीजन से जाती है वहां काम करने के लिए. आपको पता होगा कतार में जब ओलंपिक्स की तैयारी चल रही थी तो हाउ मेनी इंडियंस वर वर्किंग इन ग्रूसम हीट एंड डाइंग, दिस होल सीन. तो इट्स अ नाइस वे ऑफ सेइंग कि ओह देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन डायस्पोरा. ट्रूथ इज लॉट ऑफ पुअर इंडियंस, साउथ एशियंस गो टू दीज कंट्रीज टू वर्क इन अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन. Also, a good amount of middle-class people also go there because वहाँ पे tax नहीं लगता है. And of course, वहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते because they are so filthy rich. So, ज़्यादातर काम करने के लिए they prefer outsiders. But outsiders are not given the same status. You can't like own things there. But yeah, अगर आपको पैसा कमाना है तो it's a really nice place to go. Hence, why Indian diaspora वहाँ पे इतना ज़्यादा है. Notably, India has around 3.5 million diaspora in United Arab Emirates and 2.5 million in Saudi Arabia. अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करो तो सबसे ज्यादा है यूएस, और यूएस के बाद यूएई, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, यूके, कनाडा, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कुवैत. तो जस्ट तीन कंट्रीज, दिस ग्रीन पार्ट, दैट्स मिडल ईस्ट मोस्टली, राइट. नाउ रिमिटेंस क्या होता है. जब लोग इंडियन सिटीजन जब बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर और काम करते हैं, तो उनको रिटर्न में वो कुछ पैसा वापस भेजते हैं, राइट, टू देयर फैमिलीज. तो जो पैसा नॉन रिसाइडिंग इंडियंस पूरे वर्ल्ड में कमा के वापस इंडिया भेजते हैं उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है. तो क्योंकि इतना सारे लोग इंडिया के बाहर रहते हैं तो उतना ही बड़ा हमारा रेमिटेंस भी है. एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 82% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस, पूरा जो हमको जितना पैसा आता है पूरे साल में उसका 82% जो है वो पांच कंट्रीज से आता है, सॉरी सात कंट्रीज से आता है, जिसमें से पांच कंट्रीज जो है वो वेस्ट एशिया की है. कौन सी, विच आर द कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत एंड यूके एंड ओमान. सो इन सात कंट्रीज में से सिर्फ यूएस और यूके हटा दो तो बाकी पांच जो है
इन सातों कंट्रीज में से 82% आता है, विच इज बेसिकली द मेजोरिटी, एंड उसमें भी पांच जो कंट्रीज है वो वेस्ट एशिया में है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट कम्स फ्रॉम देयर. कल्चरल बॉन्ड. इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एक्सचेंज विद वेस्ट एशियन कंट्रीज, एविडेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल सेंटर्स अक्रॉस रीजन. कई सारे कल्चरल सेंटर्स बने हुए हैं, क्योंकि आपको यह भी देखना होगा कि क्योंकि ये एरियाज कनेक्टेड थे पुराने टाइम में, जब लोग अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट स्टैचू कहां से आए, यहीं से गए होंगे ना लोग, राइट. तो एक तो रिश्ता हमेशा हमारे रहा है इंडिया का, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेयर एवर यू फाइंड बुद्धिज्म इट हैज गॉन फ्रॉम इंडिया. सो दीज ओल्ड लिंक्स आर अवेलेबल. प्लस अगर आप आज हमारे म्यूजियम्स में जाओ तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो पुराने जमाने की है, जो आर नॉट फ्रॉम हियर, दे वर कैरीड हियर बाय द मर्चेंट्स. एंड प्लस ऑफकोर्स देर आर पीपल हु यूज टू ट्रैवल, यू नो, इब्न बतूता, राइट, ऑल दीज पीपल हु वुड ट्रैवल, और जिनको राजा वगैरह फाइनेंस करते थे, और ये लोग का काम बस ये था कि जाके देखना कि दुनिया में क्या है, वापस आके राजा को बताना कि वहाँ पे अच्छा क्या है, राइट, एक तरीके से. तो उसके कारण कई सारे कल्चरल टाइज पहले से ही हैं, और उसी के ऊपर एस्टैब्लिश करके और सारे एस्टैब्लिशमेंट्स बनाए हुए हैं, और एम्बेसीज हैं इंडिया की सब जगह. और यू शुड रीड अबाउट हाउ द एम्बेसीज आर मेड. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एम्बेसीज आर इन द मिडल ईस्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंडिया. सो दे काइंड ऑफ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मेकिंग श्योर दैट इट लुक्स ग्रैंड, राइट. सो देयर दे हैव समथिंग कॉल्ड अ कल्चरल अटाशे, विच इज दिस वन पर्सन जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वहाँ के कल्चर को, इंडियन कल्चर इंट्रोड्यूस किया जाए और वहाँ के कल्चर को वापस इंडिया लेके आया जाए, ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बने, सिंपथी बने, राइट. सो दैट्स द रीजन वाई देर इज सो मच कल्चरल बॉन्ड. काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन. ऑफकोर्स कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जो खुद भी परेशान है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसिस एंड तालिबान, एंड वो भी इंडिया के साथ काम करती है क्योंकि उनका अटैकिंग पॉइंट इज इंडिया एंड यूएस एंड ऑल ऑफ दिस. तो उनके साथ हमारा ईस्ट को लेकर भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वेयर बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू मैनेज द रेडिकलाइजेशन. स्पेशली लेकिन अगर आप तालिबान के पहले वाली गवर्नमेंट देखो, गानी गवर्नमेंट, देर वॉज अ यूएस इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, उनका बहुत अच्छा रिश्ता था इंडिया के साथ में. इंडिया में कितनी बड़ी कम्युनिटी है अफगानी लोगों की, कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड सो ऑन. सो इसी तरीके से बेसिकली देर हैज बीन दिस ऑल्सो, देव बीन कंटिन्यूस, बिकॉज उन्हें भी, उनको भी पता है कि दे आर गेटिंग रिच बिकॉज दे सेलिंग अ स्टफ. सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर कि अगर हमारे यहाँ पे पैदा हुआ हुआ टेररिज्म जाके इंडिया में फोड़ेगा तो इंडिया वुड वॉन्ट टू कट टाइज, ओके, एंड देन दीज कंट्रीज विल लूज देयर मार्केट. तो जितना इंपॉर्टेंस इन कंट्रीज का है हमारे लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स आती है, इतना ही इंपॉर्टेंस उनको भी है हमारा, बिकॉज वी आर द वन हु बाय. एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, कैनेडा, ब्राजील तो अब चला गया, चाइना, रशिया, यूएस, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, राइट. दूसरा, दिस इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया. वेस्ट एशिया जो है सर्व्स एज अ पोटेंशियल गेटवे टू इंडिया टू कनेक्ट विद द लैंडलॉक. जितना भी ये वाला रीजन है ना, सेंट्रल एशिया, जो चार पांच कंट्रीज है, दे आर ऑल लैंडलॉक्ड. तो वहां पर अगर आपको इस मार्केट को अगर आपको कैप्चर करना है, तो यू हैव टू हैव बी इन गुड रिलेशनशिप विद कंट्रीज हियर, बिकॉज ओनली थ्रू दीज कंट्रीज दैट यू कैन गो देयर, राइट. सो द रीजन वी कैन नॉट, वी वर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन चाबहार पोर्ट इज बिकॉज वी वॉन्टेड टू गो टू अफगानिस्तान, राइट. एंड सिमिलरली अगर, और सेंट्रल एशिया इज अ बिग मार्केट. आजकल आपको लास्ट चार पांच सालों में आपने देखा होगा कि कई सारी एड्स आती है अबाउट तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के टूरिज्म को लेकर. वाई? बिकॉज इंडिया, दोज कंट्रीज गेन, स्टैंड टू गेन. अगर यहाँ से इंडिया का टूरिज्म वहाँ जाएगा तो दे हैव ऑल्सो अदर एनर्जी, दे कैन ऑल्सो सप्लाई एनर्जी. दिस इज अ गुड प्लेस जहाँ पर अभी कोई गया नहीं है, चाइना या फिर रशिया या यूएस. तो वहाँ पर इंडिया अपना मार्केट स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को रिच होने के लिए एक मार्केट चाहिए होता है, ठीक है. सो दैट्स अ मार्केट इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू टैप फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया सऊदी अरेबिया टाइज. सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन वॉट वी कॉल एज वेस्ट एशिया. इट इज surrounded by Jordan on this side. So you can see this is the Gulf of Aqaba, and this right here is the place जहाँ पर Saudi Arabia और Jordan के kings के बीच में कुछ agreement हुआ था. Saudi Arabia ने Jordan को यहाँ पर एक port दिया जिसका नाम है Port of Aqaba. But you'll see that Jordan actually does not have any coastal line. On this side there is Iraq, Kuwait, Qatar, UAE, Oman, Yemen, and on this side they have the largest coastal line in Red Sea. Okay, and it is also one of the most richest
country. It also has Medina and Makkah, which are the holy sites for the religion of Islam. Riyadh is in the center, which is the capital of Saudi Arabia. Mostly this light region that you see, this is the desert, and यहाँ पे भी आपको ये green वाला हिस्सा दिख रहा है. This is the mountainous area. So this is, and then there the coast. So this is what the terrain of Saudi Arabia looks like. If you remember, बीच में एक assassination हुआ था of a journalist who used to talk about Saudi Arabia and used to live in US, and that person was assassinated, and that's the time you might have heard about this person, the new king of Saudi Arabia. Now let's talk about the historical ties. Diplomatic relationship since 1947, 75th anniversary celebrated hui thi 2021 mein. Delhi Declaration in 2006 marked the pivotal point. डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो सऊदी अरेबिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है. जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, वो 2019 में आए थे और उस विजिट में बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट का अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ऑन सोलर अलायंस, द अलायंस दैट इंडिया हैज़ बीन पुशिंग सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई आर एनर्जी नीड एंड यू नो मूव टूवर्ड्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू मोर रीन्यूएबल एनर्जी. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल अग्रीमेंट हुआ था 2019 में, विच वॉज लाइक द हाई लेवल काउंसिल. यूजली हैपन्स वेन पीपल द मेन हेड ऑफ स्टेट्स मीट. ओके, स्नैपशॉट ऑफ द बायलेटरल रिलेशनशिप. रियाद डिक्लेरेशन साइन हुआ था 2010 में. इनहेंस कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस रेल. इकोनॉमिक टाइज, इंडिया इज सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर. रेसिप्रोकल ट्रेड टाइज आर स्ट्रॉन्ग. तो उल्टे मतलब वो तो हैं ही हमारे और हम भी उनके बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं. 2700 इंडियन कंपनीज जो है वो इस वक्त $2 billion सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट कर रही है. एनर्जी कोऑपरेशन है, की पार्टनरशिप है इंडिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी में. इट इज सऊदी अरेबिया इज द मेजर सोर्स ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया. डिफेंस पार्टनरशिप की बात की जाए तो दो the two editions of bilateral naval exercise al mohad al hind conduct ki gayi thi. diaspora ki baat kare to more than 2.5 million indians jo hai they live in saudi arabia, which is one of the largest expatriate group. expatriate usually is a nicer word when people leave their country to agar third world country se, गरीब कंट्री से कोई वेस्टर्न कंट्री में जाता है तो उन्हें इमिग्रेंट कहा जाता है, बट कोई वेस्ट कंट्री से, अमीर कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाता है तो उसे एक्सपेट्रिएट कहा जाता है. सो या, स्ट्रीमलाइन माइग्रेशन प्रोसेस थ्रू विच ई माइग्रेशन एंड ई थॉकित सिस्टम. तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बेसिकली दे हैव क्रिएटेड दिस होल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू विच बोथ द कंट्रीज कैन हेल्प विद द माइग्रेशन. सपोर्ट इन इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स फ्रॉम सुदान इन ऑपरेशन कावेरी. सो जब सुदान में देर वॉज अ सिविलियन फाइट, उस वक्त जो इंडियन नेशनल स्पेशली लॉट ऑफ नर्सेज एंड पीपल हु वर स्टक इन दैट एरिया, उन्हें जब लेके आया गया था, जिसको ऑपरेशन कावेरी कहा गया था, दैट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर फ्रेंडशिप विद सऊदी अरेबिया. काउंटर टेररिज्म कोलेबोरेशन, बोथ नेशंस अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड इट्स फाइनेंसिंग. Emphasizing on recognition that terrorism in all its form poses one of the greatest threat to humanities. तो दोनों ही countries समझती है कि basically दोनों ही countries economic prosperity में believe करती है कि पैसा है तो चलता है. They don't want neither the Saudi Arabia nor India wants terrorism to spread because it is something that stops the economic development. And both of these countries know कि अगर उन्हें compete करना है China, US के साथ में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पावर चाहिए तो दे नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस. सो दोनों ही कंट्री इस बात से अग्री करती है. अब कंसर्न्स क्या है दोनों कंट्री के बीच में. द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन वेस्ट एशिया और द मिडल ईस्ट इज इंट्रिकेट एंड मल्टीफेसेड. प्रॉब्लम विथ दिस बेसिकली वन सेंटेंस ट्रूली एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम विथ यू नो मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया. वेस्ट एशिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंट्रीज है, सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडा है. हर कंट्रीज में डुअल यू नो लीडरशिप है, एक उनकी इधर इलेक्टेड किसी तरीके से इलेक्टेड लीडरशिप या फिर यू नो थियोक्रेसी है और दूसरी तरफ
ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे आईसिस, अलकायदा, दाएशा. दीज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आर फॉर्म्ड बाय पीपल विद इन द कंट्री बट सपोर्टेड बाय फॉरेन पावर्स. तो ये एक प्रॉब्लम है जो हर वेस्ट एशिया की कंट्री को प्लेग करती है. एंड मोस्टली इट्स पॉसिबल बिकॉज ना बहुत आर्बिट्ररी तरीके से ये मॉडर्न कंट्री की लाइन बनी है और कई सारी माइनॉरिटीज है क्योंकि बहुत ट्राइबल रीजन रहा है. बिफोर वी रियलाइज दैट देर इज ऑयल देयर इतना इंपॉर्टेंस नहीं था बिकॉज इट वॉज जस्ट अ डेजर्ट, राइट. तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं था और वहाँ इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी तो ज्यादातर ट्राइबल्स रहते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो ओएसिस के आसपास रहती थी. और अब सडनली जब ये मॉडर्न बॉर्डर्स बन गई तो क्या हुआ, बहुत सारी माइनॉरिटीज स्प्लिट हो गई. तो वन ऑफ द बिगेस्ट सच माइनॉरिटीज कुर्द. एटलीस्ट देर आर थ्री प्लेसेज वेयर वॉर्स इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कुर्द माइनॉरिटी, क्योंकि उनको ऑफकोर्स कहीं पे भी जगह नहीं दी जाती है एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन लैंड. और उसके अलावा ऑफकोर्स यूएस और रशिया ने अपना वो टिक टैक टो खेला था कोल्ड वॉर के टाइम में इस रीजन में, तो उसके कारण भी कई सारे फ्रिंज ग्रुप्स बन चुके हैं. एंड मॉडर्न टाइम्स में आप देखोगे कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स भी बन गए हैं जो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आर डिसएडवांटेजियस, ठीक है. जैसे अभी आपने देखा होगा ईरान में जो पूरा वुमेन्स मूवमेंट था, राइट. सो यू आर सीइंग दैट देर आर डिफरेंट. यूजुअली एक कंट्री में एक लीडर होता है और यू नो देन देर आर सम प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज हैव प्रॉब्लम बिकॉज देर आर मल्टीपल लीडरशिप्स बिकॉज द अदर टाइप ऑफ द अदर सूडर लीडरशिप इज इक्वली एज स्ट्रॉन्ग. इवन दो दे आर टेररिस्ट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड. एंड पॉपुलेशन माइग्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन थी नहीं पहले. और जैसे ही लोगों को रियलाइज हुआ है कि यहाँ पे नीचे मतलब फॉसिल फ्यूल है तो अब एक एक इंच के लिए यू नो दे आर रेडी टू फाइट बिकॉज दे नो वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस. एंड क्योंकि ब्लैक सी के इसमें सबसे बड़ा एरिया है साउथ अरेबिया का, तो दैट हैज ऑफकोर्स इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ देम ऑल बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट एरिया. फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया की राइवलरी है ईरान से और तुर्की से, पर इंडिया जो है वो ईरान और तुर्की के साथ काम करना चाहता है. तो इट्स लाइक पूरे मिडिल ईस्ट के साथ में कोई खुश नहीं है. There's not one person who is good with all of them. अगर आप एक से बात करोगे तो you would imagine because all these countries have similar cultures, so they would be very peaceful. But जैसे इंडिया और पाकिस्तान कैसे है वैसे ही हर कंट्री एकदम कट्टर एक दूसरे के अगेंस्ट है विद इन दिस रीजन. तो आपको किसी एक से मतलब बहुत डिफिकल्ट टेरेन है. एक से दोस्ती करोगे तो दो से दुश्मनी हो जाएगी, दो से दोस्ती करोगे तो छह से दुश्मनी हो जाएगी, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. India maintaining close ties with both Saudi Arabia and Iran faces occasional strains in relationship because दोनों को ही पसंद नहीं है. जैसे बांग्लादेश या मालदीव्स या भूटान, नेपाल खेलते हैं ना चाइना और इंडिया के बीच में, उस तरीके से कहीं कहीं भी इंडिया फंस जाता है बिटवीन से कुवैत एंड सऊदी अरेबिया या कुवैत एंड यू नो ईरान एंड इराक लाइक दैट. The kingdom's growing engagement in China is the biggest problem. तो अभी recently क्योंकि India ऐसे थोड़ा सा खेल रहा था कि इधर Turkey से भी बात कर रहा था, इधर Saudi Arabia से भी बात कर रहा था, उधर Kuwait से भी बात कर रहा था और उधर Iraq से, Iran से भी बात कर रहा था, अफगानिस्तान से भी बात कर रहा था. तो looking at that कि ये तो कहीं बैठ नहीं रहे, किसी का एक साइड नहीं ले रहे, there has been an increase interaction between West Asia and China and which is a big issue. क्योंकि अगर West Asia joins China, then you can understand. Always think of it like this. There's US and then there's China. Okay. अब और Russia. अब तो Russia इतना बड़ा नहीं रहा है, काफ़ी है फिर भी, ठीक है. These are two groups. Okay. And you'll know that Europe is always going to be on this side. Israel is always going to be on this side. एंड सो वॉट हैपन्स इज मिडल ईस्ट जो बोल रहे हैं ना हम, उसमें जो पावरफुल कंट्रीज है ना उनके लिए हमेशा झगड़ा लगा रहता है कि वो बिकॉज सम ऑफ देम आर रियली थिक विथ यूएस, सम ऑफ देम आर अगेंस्ट यूएस लाइक ईरान, राइट. ईरान और यूएस का बहुत झगड़ा चलता है वही, लेकिन सऊदी अरेबिया का अच्छा बनता है क्योंकि अरेबिया इज द वन जिसने इसराइल के साथ पूरे यू नो वो करवाया था सुलह. तो ऐसे क्या होता है कि इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू sort of you don't want to be very close to all of them because that would mean provoking the other party, but you can't also not be close to them because if you are not close to them they might you know go towards communist China, Russia and then it will be a problem in US. Ab uske beech mein India ko ye sab bhi karna hai while being non-aligned,
So that sort of creates a lot of issue. Riyadh continues to provide economic aid to Pakistan. ये भी एक बड़ी problem है. हमारे दुश्मन को वो aid provide करते हैं. Poor treatment of Indian workers is notable. जैसा कि मैंने बताया था कि कतर में जो अभी हुआ था ओलंपिक, उसके लिए जो गए थे लोग, इतना मतलब 50-55-60 डिग्री में बाहर धूप में पूरा दिन काम कर रहे हैं, एंड दैट डाइंग लेफ्ट राइट सेंटर, द प्लेस दे वर लिविंग वाज सो बैड. एक तरीके से बंधा मजदूर की तरह उनसे काम करवाया इन हार्श वर्किंग कंडीशन. कॉन्ट्रोवर्शियल निताकत लॉ हैज फर्दर लिमिटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन वेल पेइंग जॉब्स, विच इज बेसिकली निताकत इज बेसिकली द आइडिया की there is a lot of racial, almost racial differentiation, like apartheid ki tarike ka, ki kuch jaise Britishers nahi kehte the hamare sath ki Indians were allowed in military in like small areas, but koi bhi higher position pe Indians were not allowed. So this is the same thing in Saudi Arabia. They also have this thing ki where Indians are allowed to do all sort of job, but there is a limit. There are certain positions jahan par, ab jaise aap Canada mein dekho, इंडियन माइग्रेट हुए वहां पे, रहने लग गए, सिटीजनशिप मिल गई, अब वहां पे वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देर आर मिनिस्टर्स हु ऑफ इंडियन डिसेंट, राइट, बट नॉट इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, लेकिन वो कभी भी उस लेवल तक नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस निताकत. सो दैट हैज बीन एन इशू. फिर इंडिया का जो ईरान के साथ रिलेशनशिप है फॉर क्रिएटिंग द चाबार बोर्ड एंड गेटिंग इनटू अफगानिस्तान हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज सऊदी अरेबिया एंड ईरान are not very good. Iran and India relations have a rich history spanning millennia, with the borders until 1947, commonalities in language, culture and tradition. Jo diplomatic ties hai wo March 15, 1950 ko establish hue the during Cold War. Political differences strained relationship as India's non-alignment stood in conflict with Iran's close tie to US. So, jab tak ईरान जो था बिफोर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसके बाद खोमेनी आए थे, उसके पहले तक शाह पहलवी उनका किंगडम था. दिस किंगडम वॉज अपेरेंटली अ पपेट लीडर फ्रॉम यूएस. सो तब ईरान वॉज वेरी क्लोज टू यूएस. तो क्योंकि इंडिया वॉन्टेड टू बी नॉन अलाइन इन 1947, दे डिड नॉट सपोर्ट ईरान बिकॉज दे वर टू क्लोज टू US. अब जब ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया और ईरान कंप्लीटली जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है, तो अब इंडिया ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन दैट ओल्ड थिंग हैज नॉट गॉन. प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद ईरान, स्पेशली विद टर्म्स टू डेमोक्रेसी एंड वुमेन राइट एंड ऑल ऑफ दैट. अब सोवरेनिटी की बात आती है तो इंडिया ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता कि ईरान अपनी कंट्री के फीमेल्स को कैसे ट्रीट करता है, बट इट शोज अ लॉट दैट It sort of shows how complicated the international platform is, ki jahan US western countries mein LGBTQ rights ko lekar they are so ahead, but still they talk to Iran, where if you are found to be LGBTQ you are basically killed in a public execution site, or that women are killed because they are not wearing hijab and all. So this so shows that देर इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोवर्निटी. अगर आप सोवर्निटी दूसरों के एक रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपके इंटरनल मैटर्स में उंगली करेंगे, बट एट द सेम टाइम दिस वेरी रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी डजंट अलाउ यू टू पॉइंट आउट व्हेन अदर कंट्रीज आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड ईरान जो है वो ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो गए थे 1950 में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. पॉलिटिकल डिफरेंसेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बिकॉज इंडियाज नॉन अलाइनमेंट स्टैंड कॉन्फ्लिक्टेड ईरान्स क्लोज टाइज विद यूएस, वाइल इंडिया लीन टूवर्ड्स यूएसएसआर इन 1971 ट्रीटी ऑफ पीस इन 71. तो अब क्योंकि 1971 में हमने फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी साइन कर ली थी यूएसएसआर से, तो जो थोड़ा बहुत था कनेक्शन वो भी चला गया. पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन इंप्रूव्ड हाइलाइटेड बाय जॉइंट एफर्ट सपोर्ट इन नॉर्दर्न अलायंस इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द तालिबान. जब तालिबान के अगेंस्ट ईरान में चल रहा था उसमें इंडिया ने ज्वाइन किया, तो वहां से अच्छे रिलेशनशिप हुए. ईरान हैज बिकम अ क्रूशियल ट्रांजिट रूट फॉर इंडिया ट्रेड. तो इस वक्त इंडिया का जितना भी ट्रेड है सेंट्रल एशिया और रशिया में वो सब ईरान की तरफ से जाता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लीडिंग टू द 2000 अग्रीमेंट विद रशिया फॉर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर थ्रू ईरान. तो रशिया के साथ जो हमारा नॉर्थ कॉरिडोर थ्रू ईरान है उसका अग्रीमेंट इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारा ज्यादातर ट्रेड वहां से जाता है टू सेंट्रल एशिया. However, 2006 में इंडिया अंडर यूएस प्रेशर वोटेड अगेंस्ट ईरान इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रिड्यूसिंग ऑयल इम्पोर्ट बाय 40% एंड विड्रॉइंग फ्रॉम द पाइपलाइन प्रोजेक्ट थ्रू पाकिस्तान. सो उस वक्त एक ये जो प्रोजेक्ट था दैट देयर वाज अ पाइपलाइन गोइंग टू ईरान फॉर एनर्जी
transport via Pakistan, but India was pressured by US because of alleged nuclear power misuse and biochemical misuse that was happening in Iran. And then you know what happened after that, right? That's the entire history of US coming to give freedom to Middle East. So what are the areas of cooperation between India and Iran? सबसे बड़ा है energy, ठीक है? सबसे ज़्यादा crude oil जो है वो इंडिया ईरान से ही लाता है. Iran stands as one of India's primary source of crude oil और बहुत effective है, alternative है टू सो अगेंस्ट सऊदी oil. अगर मतलब क्योंकि हमारी और सऊदी की relationship कोई बहुत अच्छी नहीं है तो completely depend होना भी बहुत मुश्किल है, but at the same time Saudi is also one of the biggest you know resource of oil. पर वहाँ पे क्या होता है, इसीलिए यूएस के बोलने के बाद भी इंडिया वॉज सॉर्ट ऑफ हेजिटेंट, क्योंकि अगर इंडिया ईरान के साथ अपने ऑयल एक्सचेंज को कम कर देता है ट्रेड को, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सऊदी ऑयल पे डिपेंड करेंगे एंड हमारी इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है. कल को अगर कुछ झगड़ा होता है, कोई इंसिडेंस होता है जैसे निकाकत को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो फिर वी विल बी लेफ्ट यू नो हाई एंड ड्राई. Indian companies express readiness to invest up to 20 billion in Iran's energy sector, aiming to establish petrochemical and fertilizer plant in Chabar special economic zone. So India तो बहुत interested है Iran में invest करने के, लेकिन उसके साथ दो problem है कि एक तो Iran थोड़ा सा volatile political structure है, specially because of the kind of government they have, and they're a little short fused, honestly. That's what I would describe Iran as. Because you saw recently, right, when they fortified a bomb on Pakistan. So problem with Iran is that they have the resources, they have the money, and they seem like a natural ally to India, but sometimes they do things that India cannot support. And Iran and US are at really odd ends. And jo maine aapko bata tha na ki there fir se dobara na do wo ban rahi hai, ek taraf China hai, ek taraf US hai, aur yahan India, aur yahan pe hai Iran. अब इंडिया अगर ईरान का साइड देता है थोड़ा सा भी, तो क्या होता है कि इट्स लाइक गेटिंग इनटू द चाइना वाली साइड. वो नहीं करना चाहता बट छोड़ना भी नहीं चाहता. और अगर इसको वो इफ़ इंडिया इवन शोज अ लिटिल बिट इंटरेस्ट इन ईरान, देन यूएस की तरफ से प्रेशर आने लगता है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक डिफिकल्ट टू मैनेज दिस रिलेशनशिप. उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि सामने की तरफ चाइना है. फिर डिस्पाइट प्रोसेसिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व, Iran is not a major exporter, and proposed an Iran-Oman-India undersea gas pipeline presents an opportunity for India to embrace the cleaner energy. Even though दुनिया का second largest natural gas reserve है, लेकिन फिर भी इतना वहाँ पे problem रहा है political की they were never able to build that kind of infrastructure where they could utilize it. They could have been richer than Saudi Arabia, but they couldn't. और उसके बाद जो अभी ये Iran ओमान इंडिया जो पाइपलाइन है, अंडरसी पाइपलाइन, ये चल रहा है ताकि यू नो इट कुड इन फ्यूचर इंडिया कुड रियली स्टैंड टू गेन फ्रॉम क्लीनर एनर्जी फ्रॉम ईरान. अब चाबार बोर्ड की बात करें तो इट इज ऑफ कोर्स लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, एग्जैक्टली वेरी नियर टू ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान. और ये बेसिकली द होल आइडिया ऑफ दिस इज क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो उसके काउंटर में हम चाबार पोर्ट कर रहे हैं ताकि उसको काउंटर कर सके. सेकेंड, बिकॉज पाकिस्तान तो जाने नहीं देगा अफगानिस्तान की तरफ, तो वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम हियर. दिस विल ऑल्सो मेक कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में आने वाला है, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं जिससे कि चाइना कैन जस्ट यू नो सेंड देयर स्टफ, नॉट उनको पूरा घूम के नीचे सिंगापुर स्टेट ऑफ मलक्का से नहीं आना पड़ेगा, वो यहीं से डायरेक्टली अरेबियन सी में आ जाएंगे और यहां से दे कैन गो डायरेक्टली. ये इज अ बिग, दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ बिग इशू बिकॉज दैट वुड मीन चाइना विल एंटर द सी एरिया ऑफ इंडिया एंड दैट्स बिगेस्ट इशू. सो उसको काउंटर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऑल्सो दिस पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर इंडिया. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव शिप रेल एंड रोड है, लतीनो है इसमें, ताकि फ्रेट मूवमेंट हो सके बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. प्रिटी सिमिलर टू बी आर आई हैज अदर थिंग्स ऑल्सो बट ऑन द सेम लाइन्स. एम्स टू एस्टैब्लिश शॉर्टेस्ट मल्टी मॉडल, सबसे छोटा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट टू कनेक्ट इंडियन ओशन एंड द गल्फ एंड द कैस्पियन सी एंड ईरान एंड सेंट पीटर्सबर्ग विच इज रशिया. द कॉरिडोर ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस ट्रेड कनेक्टिविटी अमंग मेजर सिटीज सच एज मुंबई, मॉस्को, टेहरान, बाकू, बंदर अब्बास एंड अस्ट्रखान.
टेररिज्म, इस्लामिक स्टेट नेसेसिटेटिंग कोलैबोरेटिव काउंटर टेररिज्म एफर्ट। देखो किसी भी चीज से लड़ने के लिए ना उसका उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो दे आर वर्किंग विथ मिडल ईस्ट कंट्रीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो सफरिंग। आप कितना भी पहले पाकिस्तान को ब्लेम कर दो लेकिन यू ऑल्सो नो द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं जो वहीं के लोगों को मारते हैं, राइट। सो खैर पाकिस्तान के साथ तो हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट केयर इफ यू नो दे आर सेंडिंग टेररिस्ट आर वे, बट कंट्रीज लाइक ईरान एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज वहाँ पे दे एक्चुअली जेन्युइनली डू केयर, बट दे डोंट वॉन्ट कि उनकी ऑर्गेनाइज उनके यहाँ पे जो ये रेडिकलाइजेशन चल रहा है ये ट्रांसफर हो, क्योंकि उनसे उन्हीं का नुकसान है। तो वहाँ पर दे गिव अस अ वेरी गुड इंसाइट ऑन हाउ थिंग्स फंक्शंस, राइट। सो यू कैन फाइट योर एनिमी बेटर इफ यू नो हु दे आर हाउ दे फंक्शन। अब इरिटेंट्स या चैलेंजेस क्या है, ईरान जो है वो बहुत क्लोज है चाइना के। ईरान इंक्लूजन इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पोजेसेस अ चैलेंज टू इंडिया एंड इंडिया इज अ स्टैंड्स अपोजर ऑफ द चाइनाज BRI इनिशिएटिव। चाइना और ईरान ने डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फोकसिंग ऑन एनर्जी नॉन एनर्जी इकोनॉमिक टाइज आर्म्स सेल्स डिफेंस कोऑपरेशन एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफकोर्स ईरान और US का 36 का आंकड़ा है। अब अगर ईरान को US के आगे स्टैंड करना पड़ेगा तो किसके पास जाएगा, इंडिया के पास तो इतना पावर नहीं है अभी, तो चाइना के पास जाएगा। पर लेकिन जितना ज्यादा ईरान चाइना से क्लोज होता है उतना हमसे वो दूर होता जाएगा, और इफ वी डोंट हैव गुड टाइज विद ईरान दैट मींस वी विल हैव टू गेट क्लोज टू सऊदी अरेबिया बिकॉज दीज आर द टू कंट्रीज जहाँ से हमें सबसे ज्यादा यू नो एनर्जी आती है। दिस इज द मेन कॉज, चाइना बिकमिंग ईरान प्राइमरी ऑयल कस्टमर। चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है और ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑलमोस्ट 400 बिलियन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट हुआ है 2021 में इनहांसिंग चाइनाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इन। तो वहां पे भी बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोल्ड वॉर तो नहीं लेकिन एक टिक टैक टो चल रहा है चाइना और इंडिया का ईरान में भी। वहां वेयर ईरान हैज मोर इंसेंटिव टू बी ऑन द साइड ऑफ चाइना देन टू इंडिया बिकॉज इंडिया हैज स्टिल शोन अ लिटल मोर नॉन अलाइनमेंट वेयर इट सॉर्ट ऑफ गोज मोर टूवर्ड्स US बिकॉज इट्स पार्टिसिपेटिंग इन क्वाड एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस विथ द यूरोपियंस एंड US एंड तो दिस मेक्स ईरान सीम लाइक कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा US की साइड है एंड दिस मेक्स देम नॉट वॉन्ट टू कोलेबोरेट विद अस एंड गो टूवर्ड्स चाइना। एंड चाइना का कोई थर्ड थोड़ ना है, दे विल सपोर्ट एनी वन। वो चाइना अपनी कंट्री में टेररिज्म करती है, ठीक है, लेकिन इट हैज नो प्रॉब्लम सपोर्टिंग टेररिज्म इन अदर कंट्रीज। सो अब USA की जो सैंक्शन थी उसका क्या इंपैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर। US withdrawal फ्रॉम joint comprehensive प्लान ऑफ एक्शन एंड sanctions ऑन ईरान क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर इंडिया इन कंटिन्यूइंग ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट एंड फुली ऑपरेटिंग इन चाबार पोर्ट। क्योंकि सो हमने इतना पैसा लगाया चाबार पोर्ट पे, इट मेक्स सेंस, चाबार मेक्स सेंस इन ऑल ऑफ सेंस। इट्स देयर स्टैंडिंग अगेंस्ट ग्वादार इन चाइना, इट इज इन परफेक्ट पोजिशन, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ लेवरेज, वी आर ऑल्सो रेडी टू इन्वेस्ट, इट विल हेल्प अस कनेक्ट विद अफगानिस्तान, ऑल ऑफ दैट। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम USA ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं और उसके कारण इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू वर्क विद ईरान एंड दैट हैज लाइक ऑलमोस्ट लाइक पूरे बने बनाए के ऊपर पानी फैल जाता है। तो पूरी एक मतलब पूरी खड़ी का फसल हो कटने के जस्ट पहले मानसून आ जाए वैसी वाली बात हो जाती है। ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ ईरान एज अ रिलायबल पार्टनर डिस्पाइट वार्म जेस्चर्स टुवर्ड इंडिया, ईरान हैज बिकम कंटेंशियस पार्टनर एट टाइमिंग एक्टिंग अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। सो इवन दो जब सामने होते हैं तो बहुत नमस्ते नमस्ते करते हैं, पर जब भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात आती है तो ईरान टेंड्स टू स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। इंस्टेंसेज इंक्लूड ईरान वोकल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू एंड डिले इन ग्रांटिंग डेवलपमेंट राइट्स ऑफ फजवाद बी गैस फील्ड इन इंडिया इन ONGC विदेश लिमिटेड एंड ऑप्टिंग इंस्टेड टू इनिशिएट पैक्ट विद रशियाज गैसप्रॉन। तो कहीं कहीं स्पेशली रशिया और पाकिस्तान, चाइना के साथ तो देखा ही हमने है, चाइना के साथ उन्होंने 2021 में जो कर दिया वो तो कर दिया, और वो मेक्स सेंस। ईरान ने जो चाइना के साथ रिलेशनशिप बनाई है ना उसके ऊपर इंडिया इतना ज्यादा, ऑफकोर्स वी आर वरिड बट नॉट दैट मच बिकॉज इट्स जस्ट सच अ गुड स्वीट डील, किसी को भी ऑफर की जाती तो कोई मना नहीं करता, राइट। इट्स अ परफेक्ट डील फॉर ईरान टू गेट, क्योंकि चाइना इज इट्स बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर, चाइना इज अ वेरी रिच कंट्री एंड चाइना इज ऑल्सो अपोजिंग US, सो इट्स सीम्स लाइक मैच मेड इन हेवन। तो वो वाला फिर भी समझ में आता है, लेकिन जब ईरान पाकिस्तान को और रशिया को प्रेफर करता है अगेंस्ट इंडिया, दैट रियली हर्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, कॉन्फ्लिक्ट है क्यों।
अनलाइक अदर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, काफी पुराना है. तो बेसिकली इट गोज बैक टू 7th century वेयर लीडरशिप डिस्प्यूट अराइज आफ्टर हु विल बी द सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद. और उसके कारण दो सेक्ट हो गए, एक है सुन्नी जो कि सऊदी अरेबिया में प्रोमिनेंट है और एक शिया जो कि ईरान में प्रोमिनेंट है. तो इनका झगड़ा इज एक्चुअली रिलीजियस. नाउ वॉट इज द विजन? सऊदी अरेबिया जो है वो दोनों ही इस्लामिक है, लेकिन दोनों के विजन कंप्लीटली डिफरेंट है बिकॉज सऊदी अरेबिया फॉलो समथिंग कॉल वहाबिज्म, वेयर एक वन एस्पेक्ट ऑफ वहाबिज्म इज कि वो पॉलिटिक्स को, स्टेटहुड को रिलीजन के से थोड़ा सा दूर रखते हैं, ठीक है. वेयर एज ईरान जो है वो बेसिकली बिलीव इन द गार्डियनशिप ऑफ द ज्यूरिस्ट विच इज कॉल्ड खलीफेट, वेयर दे बिलीव दैट कि द क्लरिक विच इज द यू नो प्रीस्ट इन दैट सेंस और रिलीजियस लीडर, दे शुड बी द अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी एज वेल, एंड नॉट ऑफ जस्ट ईरान बट ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम्स हैं दे शुड ऑल बी अंडर द खलीफेट. दैट इज द आइडियोलॉजी दैट ईरान सपोर्ट्स, एंड दिस हैज बिकम वेरी स्ट्रांग आफ्टर द ईरानियन रिवोल्यूशन. वेयर एज सऊदी अरेबिया का जो वहाइज्म है इट्स अ लिटिल बिट मोर टूवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट यू नो इट्स ऑल अबाउट सऊदी अरेबिया एंड द स्टेट मैटर एंड रिलीजियस मैटर्स डोंट ओवरलैप जस्ट लाइक दैट. ओके, वेयर दे आर जस्ट गोइंग टू थिंक अबाउट सऊदी अरेबिया एंड नॉट ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. दैट ऑल्सो इज देयर, वो यू नो देयर इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बट दे स्टिल पुट सऊदी अरेबिया फर्स्ट. अब प्रॉब्लम यह है कि ईरानियन रिवॉल्यूशन के पहले पहले तक सऊदी अरेबिया जो था वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर था क्योंकि वहीं पे मक्का और मदीना था. लेकिन 1979 में जब ईरान में से शाह चले गए और खोमेनी टुक ओवर, देयर दे स्टार्टेड विथ द होल रिवॉल्यूशन, एंड द होल एम ऑफ ईरान वॉज कि इस रिवॉल्यूशन को वो अपने नेबर्स के पास लेके जाए, ठीक है. क्योंकि व्हाट इज द एम? कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक हो और उसका लीडर एक हो जो कि क्लर्जी भी हो और पॉलिटिकल लीडर भी हो, राइट. तो उसके लिए जरूरी है कि बाकी सारी कंट्रीज को कनेक्ट करना एक दूसरे से. बट ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया डिडंट वांट दैट एंड देवर अफ्रेड कि ये अपना रिवॉल्यूशन बाकी कंट्रीज में भी लेके आएंगे एंड दैट वुड लीड टू बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ अ वॉर, ठीक है. तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक रीजनल डोमिनेंस को लेकर बात मतलब यू नो इशू होने लग गए. फिर जब अरब स्प्रिंग के बाद जो इंस्टेबिलिटी आई उसमें दोनों कंट्रीज जो है सीरिया, बहरान, येमेन ऐसी जगहों पर एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर करने लग गए. कि एक तरफ यू नो जो हूतीज हैं जो अभी हमने रिसेंटली न्यूज में देखा था, दोज हु आर अटैकिंग द शिप्स इन द रेड सी दैट आर गोइंग टूवर्ड्स इजराइल, दे आर सपोर्टेड बाय ईरान. सो सिमिलरली देर आर ग्रुप्स हु आर सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया एंड देन देर आर ग्रुप्स दैट आर सपोर्टेड बाय ईरान एंड दे फाइट दीज प्रॉक्सी वॉर्स बिकॉज दीज टू कंट्रीज कैंट फाइट सामने सामने. नाउ जो एक्सटर्नल पावर है लाइक यूएस एंड इजराइल, ये भी प्रॉब्लम देते हैं बिकॉज यूएस इजराइल को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है बिकॉज एंड दैट leading to the fact that Israel is sort of taking the land which did not was earlier Palestine, and the hatred that there has been developed between Jewish people and Islamic people had made the situation even worse. Now proxy wars jo the while not directly engaging both the nations support various side. For example Saudi Arabia jo hai wo Iran ko Houthi rebels ko control karne ke liye blame karta hai Yemen mein, ठीक है. तो जितना ज्यादा बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उतना ज्यादा यूएस का इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हो जाता है. इसीलिए तो सऊदी अरेबिया ने अब्राहम अकॉर्ड्स में पार्टिसिपेट किया था इसराइल के साथ में, या बाद में इवन लेटर ऑन दे ऑल्सो ट्राइड टू साइन दिस एंड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल, बट ऑल बिकॉज दे वॉन्टेड यूएस एंड यूएस का सपोर्ट बिकॉज ईरान का नहीं तो ईरान जो ये रिवॉल्यूशन है वो उनके यू नो उनके कंट्री में आ जाएगा. सऊदी अरेबिया ने ना जो एक शिया मुस्लिम क्लरिक थे शेख निर्म अल निर्म, जिन्होंने बहुत ज्यादा यू नो अरब स्प्रिंग के टाइम कई सारे प्रोटेस्ट लॉन्च किए थे, सऊदी अरेबिया ने उन्होंने उनको एग्जीक्यूट कर दिया. दिस लेड टू हाई टेंशन बिटवीन द लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज. सऊदी एंड सेवरल अदर अरब अलाइज दे कट डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान बिकॉज सऊदी अरेबिया सॉ दिस पर्सन एज यू नो क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट करवाए थे इन देयर लैंड. तो दे आर सीन एज ऑलमोस्ट व्हाट हाउ वी सी यू नो खालिस्तानी लीडर्स एज टेररिस्ट लाइक सेपरेटिस्ट एंड ऑल, एंड
उसको एग्जीक्यूट करना बिकॉज ऑफ द वायलेंस दैट कॉज्ड बाय दिस, दिस वाज सीन एज यू नो अ ब्लास्फेमी फॉर ईरान कि आपने करजी मार दिया. तो अब उसके कारण वो इतना वॉलेटाइल हो गया कि बाकी कंट्रीज जो कि सऊदी अरेबिया के साथ थी उन्होंने ईरान के साथ टाइज काट लिए. प्लस फिर यूएस तो था ही जो ऑलरेडी वॉज नॉट हैप्पी विथ ईरान. फिर सेवरल ईयर लॉन्ग ईयर्स हॉस्टिलिटीज ईरान एंड सऊदी अरेबिया फाइनली हैज ट्राई टू गेट सम, मतलब अब थोड़ा बहुत देख कोशिश कर रहे हैं वो दोनों साथ में आने की. उसके भी रीजन है हम आगे पढ़ेंगे. बट जो जो ये पीस है डील ये चाइना ने ब्रोकर कराई है. अब इसमें आपको ये भी देखना होगा कि बिटवीन दीज टू ईरान एंड सऊदी अरेबिया देयर इज ऑल्सो यूएस, वॉट यूएस डिड इन ईरान. और क्योंकि उन्होंने उनको झूठ बोल के और उन पर अटैक किया तो अब वॉट इट्स बीन सीन एज कि जितना ज्यादा सऊदी अरेबिया यूएस के क्लोज जाता है टू लाइक ऑलमोस्ट ईरान को चढ़ाने के लिए, राइट, एंड एंड उतना ही ज्यादा एक तरीके से देयर इश्यूज बिकम, मतलब मल्टीपल पीपल हैव इंटरेस्ट इन देयर फाइटिंग. जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में बहुत लोगों का फायदा है, राइट, एक तरफ यूएस का, एक तरफ चाइना का, इसलिए तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, यूएस इंडिया को सपोर्ट करती है, बिकॉज इट्स लाइक वो दोनों नहीं लड़ सकते तो वो हमारे थ्रू लड़ते हैं. और कई सारी कंट्रीज हैं जिनका फायदा है इन दोनों कंट्रीज में लड़ने में, बिकॉज ये लोग फिर क्या हुए, हम क्या करेंगे, रशिया से और अमेरिका से या यूरोप से वेपन खरीदेंगे ना लड़ने के लिए, पाकिस्तान भी वही करेगा, वेपन खरीदेगा, तो इन कंट्रीज का तो फायदा है ना. तो वैसे ही ग्लोब में बहुत सारी कंट्रीज है जिनका फायदा है अगर ये दोनों लड़ते रहे तो, क्योंकि ये दोनों लड़ते रहेंगे तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा. दीज आर टू वन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दोनों के पास है. अब ये दोनों अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो बीच के बंदर के जो बिल्ली रोटी ले जाएगी वो होगा बेसिकली. दोनों बंदर लड़ते रहेंगे और बीच में से यूएस और बाकी कंट्रीज जो है सस्ता तेल को एंजॉय करेगी, ये मेन एम है. तो अब ये यहाँ पे आती है प्रॉब्लम फॉर इंडिया, बिकॉज दैट मीन्स चाइना ब्रोकर करवा रहा है तो चाइना इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है. अब वाई, अब ये जानना है कि सऊदी अरेबिया क्यों रीच कर रहा है ईरान की तरफ. दो रीजन है, एक तो 2019 में जब यूएस ने सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी को अटैक किया था, उसके बाद जो यूएस का रिस्पांस था, सॉरी ईरान ने जो किया था उसके बाद यूएस का जो रिस्पांस था वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत लूकवार्म और इनसफिशिएंट था. उसके बाद सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि उसे एक अल्टरनेट सॉल्यूशन की जरूरत है जिसके लिए जरूरी है कि वो ईरान के साथ एंगेज करे, बेसिकली रियलाइजिंग कि हमारी लड़ाई में ये लोग मुनाफा कर रहे हैं. तो एक तरीके से वहां दे वॉन्टेड टू, उन्हें अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से यूएस ने उनका सपोर्ट नहीं दिया, बिकॉज सारी लड़ाई तो इसी बात की थी ना इसकी, मतलब द मेन रीजन वाई देर सो कट्टर इज बिकॉज यूएस वॉज विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान हेट्स यूएसए. सो उसके बाद पैलेस्टीन के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट थे क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है इसराइल के साथ में नॉर्मलाइज करना चाहता था अग्रीमेंट, वेयर एज ईरान जो था वो थोड़ा सा यू नो अगेंस्ट था. तो अगर ईरान का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता यू नो साथ में तो मे बी वो पैलेस्टीन के लिए लड़ सकते थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सुन्नी शिया को अलग कर दो तो है तो सब मुस्लिम ही, राइट, ब्रदरहुड तो है ही. तो दे वांटेड टू कम टुगेदर टू सपोर्ट पैलेस्टीन अगेंस्ट इजराइल, सो दैट वाज आल्सो वन बिग इशू. फिर उसके बाद यूएस ने बिकॉज ऑफ यू नो यूक्रेन रशिया एंड चाइनाज राइज एंड ऑल दीज रीजन से मिडल ईस्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना पहले देते थे. दिस इज द रीजन वाई उन्होंने यू नो अफगानिस्तान से दे पुल्ड आउट एंड दे आर सॉर्ट ऑफ बी वेरी हेजिटेंट, बिकॉज बहुत क्रिटिसिज्म मिला है यूएस को फॉर इट्स वर्क इन मिडल ईस्ट. सो काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग अराउंड साउथ चाइना सी में जो चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है और ऊपर यूक्रेन रशिया के बीच में चल रहा है, उसके कारण यूएस ध्यान नहीं दे रहा है मिडल ईस्ट पर और वो डीप्रायोरिटाइज कर रहा है और इससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम है. दूसरा, अगर यूएस के साथ टाइज खत्म हो जाते हैं सऊदी अरेबिया के तो देन सऊदी अरेबिया को एक और यू नो दूसरे चैनल्स चाहिए क्योंकि पावर तो चाहिए, राइट. तो अगर ऐसा होता है कि यूएस के साथ रिलेशन, अब जितना एक कंट्री इन ऑयल वाली कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है ऑयल खरीदने के लिए, उतना ही ऑयल वाली कंट्रीज डिपेंड होती है उन लोगों पर जो ये ऑयल खरीदते हैं. तो अगर उनका सबसे ज्यादा ऑयल जो है यूएस के पास जा रहा था और यूएस से उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो दे विल हैव टू फाइंड अल्टरनेट वेज, राइट. उसके बाद द शेयर्ड ओपिनियन ओवर इजराइल, दोनों कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं दोनों ही यूएस के अगेंस्ट है पैलेस्टीन इशू को लेकर, तो दैट ऑल्सो इज अनदर रीजन. अब वाई इज ईरान एक्सेप्टिंग दिस. सऊदी अरेबिया को तो हमें समझ में आया कि वो क्यों ईरान की तरफ जा रहा है, ईरान क्यों एक्सेप्ट कर रहा है. एक तो है क्योंकि बहुत डोमेस्टिक प्रेशर आ चुका है ईरान के ऊपर, बिकॉज वो बहुत आइसोलेट हो गए हैं यूएस सेंक्शंस के कारण और इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है. इट हैज एक्चुअली ईरान हैज द सेकेंड हाइएस्ट यू नो क्रूड ऑयल, बट देन इट्स स्टिल सफरिंग
इतना पॉसिबिलिटी है रईस होने का, फिर भी यू नो दे आर सफरिंग एंड दे आर सीइंग सऊदी अरेबिया वो कितना अमीर होते जा रहे हैं एंड नोइंग दैट दे हैव द सेम कैपेसिटी बट दे आर नॉट एबल टू यूज दैट कैपेसिटी. सो एक वो प्रेशर डाल रहा है. चाइना का जो रोल है वो बहुत इंक्रीज होते जा रहा है. एंड ऐसा नहीं है कि लोगों को, इवन दो मिडल ईस्ट कंट्रीज, वेस्ट एशिया कंट्रीज चाइना के साथ पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ये मतलब नहीं कि उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि चाइना इज ऑल्सो एन एक्सपेंशनिस्ट पावर. वो चाइना के साथ सिर्फ उतना ही डील करते हैं जितना उनके मतलब का रहता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवेयर कि चाइना का पैसा जो है, चाइना की डेट जो है वो आती है विथ कंडीशंस. सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यू नो चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है और यूएस सैंक्शंस के कारण उनके यू नो फंड्स फ्रीज होते जा रहे हैं, तो दे हैव टू लेट चाइना इन. ये भी एक इशू है. फिर अमेरिका की जो एफर्ट्स है टूवर्ड्स यू नो क्रिएटिंग अलायंसेस, वो रीजन में बहुत खराब होती जा रही है. तो लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस, ईरान ऑल्सो वॉन्ट्स टू नाउ पार्टिसिपेट. ईरान ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे झगड़े में देखो बाकी सब लोग फायदा उठा रहे हैं. एंड अब जो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि नहीं हो पा रहा है अकेले में, जो पावर होना चाहिए था वो सैंक्शंस के कारण उनका नहीं है इतना. तो अब वापस यूएस के पास तो नहीं जाएंगे इतना झगड़ा होने के बाद, तो हु व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू डू? सऊदी अरेबिया. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के ऊपर? सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी. इंडिया जो है बहुत हैवीली रिलाय करता है वेस्ट एशियन ऑयल पे, स्पेशली ईरान एंड सऊदी अरेबिया. तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर, और पहले भी डिसरप्शंस हो चुके हैं इस तरीके के, तो ये कोई नई बात नहीं है. और आपको तो पता है इंडिया में जैसे आप जब लोकल न्यूज़ की हम बात करते हैं, तो जब भी अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कितना हाहाकार होता है, राइट? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो चीज़ों का प्राइस बढ़ता है, चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, देश की इकोनॉमी पे असर पड़ता है. तो हमारे यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी इस बात का अंदाज़ा है कि वी हैव टू मेक श्योर कि वहाँ सब कुछ सही हो ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी पूरी रहे. नहीं तो हम बाहर से चाइना रेडी है तोड़ने के लिए और अंदर से पब्लिक को भी संभाल के रखना है, तो वो अलग रहता है. उसके बाद एक जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, इंडिया नेविगेट्स डेलिकेट डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान. अब क्या होता है, ऑफकोर्स इंडिया का अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी है, वेर इट डजेंट वॉन्ट टू बी सीन टू क्लोज टू चाइना रशिया और कम्युनिस्ट ब्लॉक, एंड डजेंट वॉन्ट टू बी सीन वेरी क्लोज टू यू नो यूएस ऑल्सो. बट सो दैट मीन्स कि उनके जो डिप्लोमेटिक टाइज है, इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, वेयर दे आर जस्ट फ्रेंड इनफ बट जस्ट डिस्टेंट इनफ टू येट, लाइक कि इतने दोस्त हैं कि उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं मैटर्स ऑफ एनर्जी पे, बट इतना ही इक्वी डिस्टेंस भी रखते हैं ताकि हम उनके यू नो हमें साइड ना लेना पड़े, कि हमें इन दोनों के झगड़े में किसी एक का साइड ना लेना पड़े. क्योंकि किसी का भी साइड लो, चाहे सऊदी अरेबिया का लो या ईरान का लो या चाइना का लो या यूएस का लो, हमारा तो नुकसान ही है उसमें. सो इसीलिए बहुत डेलिकेट डिप्लोमेटिक टाइज है इन सब कंट्रीज के साथ में, जो कि बैलेंस करके रखना पड़ता है ताकि नेशनल इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे. सऊदी अरेबिया ईरान की जो डील है उसमें इंडिया की पोजिशन सिंपल हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ईजिली ईरान से भी बात कर पाएगा. दूसरा, गल्फ कंट्रीज में इंडिया का डायस्पोरा बहुत है, तो एक तरीके से वो होता ना, हमने देखा था ये ऑपरेशन कावेरी सुदान में, राइट, कि कैसे यू नो दीज पीपल हैड टू बी इवैक्यूएटेड क्योंकि सडनली लोगों का यू नो व्यू चेंज हो गया टुवर्ड्स इंडियन, राइट. अब प्रॉब्लम ये है कि इमेजिन ट्राइंग टू डू इट व्हेन यू हैव 2.5 मिलियन पीपल लिविंग, ठीक है. ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल होता है, और अगर हमारा रिश्ता ईरान या सऊदी या कुवैत के साथ खराब होता है तो दैट वुड मीन कि एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर प्रेशर, मतलब उसके ऊपर खतरा आ सकता है. और फिर अगेन उसके ऐसे इम्प्लीकेशन भी हैं कि लोगों के यू नो इंडियन रिलेटिव्स आर लिविंग देयर, दे विल बी अंडर थ्रेट, तो इंडियन गवर्नमेंट पे सवाल आएगा कि आप हमारे यहाँ के अपने देशवासियों को बचा क्यों नहीं पा रहे हो. उसका इकोनॉमिक भी असर है कि रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, वो भी तो जरूरी है क्योंकि उसी से तो इकोनॉमी चल रही, इकोनॉमी से तो देश चल रहा है. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है यूएस इंडिया के रिलेशनशिप का? इंडियाज हिस्टोरिकल नॉन अलाइनमेंट स्टैंड हैज मेड इट पॉसिबल फॉर इट टू बी फेवर्ड बाई यूएस, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइन रही है, तो इसीलिए इवन दो 1971 में वो फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी साइन करी थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं सारी जगहों पर यूएस एंड ईरान एंड सऊदी हैव नोटिस दैट इंडिया ट्राइज नॉट टू टेक साइड एज मच एज पॉसिबल अनलेस इट्स लाइक यू नो डू और डाई मैटर. अमिडस्ट चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन, इंडियाज एफर्ट्स इन द रीजनल स्टेबिलिटी विथ इज इन यूएस इंटरेस्ट. तो अब यूएस खुद तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता मिडल ईस्ट में, बिकॉज बहुत बेइज्जती हो गई है, बहुत पैसा खर्चा हो गया है और बहुत यू नो क्रिटिसिज्म मिल गया है बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन, राइट.
इन द मिडल ईस्ट. सो अब वॉट दे वॉन्ट टू डू इज बेसिकली चाइना चाहता यूएस चाहता है कि वो इंडिया के थ्रू जो है चाइना को यू नो अगेंस्ट में करे, मतलब उसके अगेंस्ट में खड़े हो फॉर यूएस एज वेल एज यूएस के लिए ये भी अच्छा है कि इफ इंडिया इज विथ देम एंड दे आर एबल टू यू नो हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द मिडल ईस्ट, इट विल बी गुड फॉर यूएस बिकॉज यूएस विल बी एबल टू डील विद द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम वाया इंडिया. सो दैट्स वॉट देयर प्लान इज. नाउ लेट्स मूव टू इंडिया इजराइल रिलेशनशिप. एक तरीका है इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का कि वक्त का तकाजा है तो रिश्ता है वरना नहीं है. क्योंकि शुरू में जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और जब यू नो इंडिया ने जो है प्रपोज किया था कि जो पैलेस्टीन का जो दो हिस्से करने वाले थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक इसराइल को देने के लिए एक मुस्लिम्स के लिए, उसको रिजेक्ट किया था इंडिया ने कि इस बेसिस पे कि रिलीजियस क्राइटेरिया पे देश अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देखो ऑलरेडी हो चुका है एंड इट्स वेरी बैड. फिर 1915 में अब क्योंकि बाकी लोगों ने मिलकर तो इसराइल एग्जिस्ट करा ही दिया तो इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि हाँ एग्जिस्ट करता है, पर एक्नॉलेज किया, रिलेशनशिप नहीं बनाया कि हाँ ठीक है यू आर देयर, आई सी यू, यू सी मी, फाइन. फिर 1992 में लाइक ड्यूरिंग दिस होल टाइम देर वॉज नो रिलेशनशिप बिकॉज इसराइल वॉज टू क्लोज टू यूएस एंड इंडिया वॉन्टेड टू नॉट सीन अलाइंड. 1992 में नरसिम्हा राव के अंडर पहली बार रिलेशनशिप डेवलप हुए थे एंड उसके बाद भी देखोगे देर वर रिलेशनशिप बट देर मार्क्ड विथ, उसके बाद के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए ना उन्होंने अंडर द लेयर देर हैज बीन रिलेशनशिप बट ओवरटली कभी सपोर्ट नहीं किया बिकॉज सपोर्टिंग इसराइल वुड हैव मीन बींग ऑन द साइड ऑफ यूएस, दैट वुड बी बींग अवे फ्रॉम नाम एंड बींग विथ इसराइल वुड मीन स्टैंडिंग इन अपोजिशन टू द मिडल ईस्ट और जहां से हमारा सारा ऑयल आता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं था. हमारी एनर्जी नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फ्रेंडशिप विद इजराइल. सो यू विल सी इवन दो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए डिप्लोमेटिक टाइज बट बहुत कुछ नहीं हुआ. इट ओनली चेंज अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही मेड अ विजिट एंड इंडियाज रिलेशनशिप विद द कंट्री कंप्लीटली चेंजेड. पहली विजिट थी जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे उस कंट्री में, दोनों नेशन ने सब्सिक्वेंटली एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यू नो बोल दिया कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. 2008 में इंडिया ने, अब 2008 से 2021 के बीच में सी द डिफरेंस, 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप एक दिन नींद में से उठा और उसने कहा कि तुमसे नहीं हो रहा है, लाओ मैं एक बार में साफ कर देता हूं, मैं टेलवीव से इसराइल की कैपिटल को जेरूसलम ले जाता हूं. जेरूसलम इज द प्लेस जहां पे तीनों रिलीजन का जो एक वो मॉस्क और वो जो माउंट है टेम्पल माउंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन ऑल थ्री रिलीजन, राइट. तो डोनाल्ड ट्रंप बींग डोनाल्ड ट्रंप विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज जस्ट सेट कि तुम हम अपना यूएस की एम्बेसी लेके जाएंगे टेल अवीव से जेरूसलम और बेसिकली सपोर्टिंग इसराइल टू मेक जेरूसलम इट्स कैपिटल रादर देन टेल अवीव विच वॉज अ लिटिल अवे फ्रॉम इट. तो जब ये हुआ तो इंडिया ने अपोज किया इस डिसीजन को यूएन में ये बोलते हुए, और उन्होंने टर्की और येमेन ने जो यूएन के रेजोल्यूशन रखा था कि यू नो ये अपोजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स का दिस चेंज ऑफ कैपिटल ऑफ इसराइल, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया था 2018 में. अब 2021 में पता क्या किया, इंडिया ने चोज टू एब्सटेन फ्रॉम द रेजोल्यूशन इन विच यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टैब्लिश परमानेंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट टू सी वेदर देर वॉज ह्यूमन राइट वायलेशन इन गाजा वेस्ट बैंक एंड पैलेस्टीन. फ्रॉम अपोजिंग टेल अवीव का मूव फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम टू 2021 में इंडिया अग्रीड टू लुक अवे from human rights violation in Palestine, which shows so much. Well, you have to understand, for a country like India who has had so much devotion to values, not voting and abstaining from voting means ki India aisi position mein thi jahan they would rather not participate than take sides. राइट क्योंकि अब ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट खड़े होना तो ऑब्वियस चॉइस है ना, पर अगर उसमें भी इंडिया पीछे खड़े रहा मतलब कितनी बड़ी बात होगी. सो दिस शोज यू लाइक सच अ ह्यूज शिफ्ट इन हाउ क्लोज वी केम टू इसराइल एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया इज नो मोर सीन एज नॉन अलाइड बिकॉज वी हैव गिवन सो मच यू नो डिस्काउंट टू इसराइल इन टर्म्स ऑफ हाउ वी डील विथ इसराइल इन यूएन एंड हाउ मेनी different types of trade agreements and
डिफेंस एग्रीमेंट्स दैट वी हैव विद इजराइल, कि हम अब खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि वी आर नॉन अलाइंड बिकॉज आर रिलेशनशिप विद इजराइल इज टू क्लोज टू से दैट वी आर नॉट विद द वेस्टर्न कर. एंड दिस इज ऑल्सो मोर ऑब्वियस बिकॉज हु इज इन द अपोजिट कैंप, चाइना, एंड वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट देम. सो एक तरीके से इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक अ, जिस जितना बहादुरी से इंडिया ने कोल्ड वॉर में अपने आप को न्यूट्रल रखा था, मॉडर्न डे में हम वो बहादुरी नहीं दिखा सकते. दैट इज द रियलिटी. बायलेटरल मर्चेंडाइज ट्रेड सर्ज फ्रॉम 200 मिलियन इन 1992 टू 10.1 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23-24. एंड इसराइल इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज, जिसमें वी हैव अ फेवरेबल ट्रेड, मतलब कि वी गेन अलॉट मोर from Israel then Israel gains from us. Israel also gains from us but it's favorable, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है. इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया में इसराइल का. सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का जाता है इंडिया से? पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. और इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, इसराइल क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? पर्ल्स, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, पेट्रोलियम, ऑयल, डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट. आप देखोगे हम उनको दे रहे हैं केमिकल्स एंड मिनरल्स, वो हमें दे रहे हैं डिफेंस, मशीनरी एंड अदर कैपिटल गुड्स. अब बात करते हैं I2U2 की. I2U2 को एक न्यू क्वाड भी कहा जाता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड क्वाड विच इज जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US एंड इंडिया. दिस इज बेसिकली टू कंट्रीज फॉर United Arab Emirates and United States, ये तो हैं साथ में. और प्लस इसराइल और इंडिया की रिलेशनशिप भी इतने अच्छे हो गए थे कि उन्होंने भी ये था ही इनके साथ में इसराइल दो. और इंडिया वॉज ऑल्सो एबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ हाउ गुड देयर रिलेशनशिप हैड बिकम विथ इसराइल. सो 2021 में फॉर्म हुआ था. एम क्या है कि इन कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और साइंटिफिक इनोवेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द होल रीजन for our relation, मतलब one of the biggest reasons for our relationship with Israel is scientific innovation. Because Israel, you have to understand how Israel is formed, right? These people did not live here. They were living all across the Europe and America. And Israel ने basically जब Israel form हुआ था उन्होंने कहा था कि anyone who is of Jewish descent has free citizenship in the country. तो और जूश पॉपुलेशन जो थी यूरोप और अमेरिकन और दूसरी जगह पे, वो बहुत स्ट्रांग कम्युनिटीज थी. स्पेशली ये यूएस में आप देखोगे जूश कम्युनिटी इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कम्युनिटीज इन इसराइल, वेर दे अर्न अलॉट. उनका पूरा बैंकिंग सिस्टम इज ऑलमोस्ट यू नो कंट्रोल्ड बाय देम. तो बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज आई थिंक हॉलीवुड फॉर दैट मैटर. तो सिमिलरली लाइक यूएस, अदर कंट्रीज में भी जो जूश मेजोरिटी माइनॉरिटीज थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पैसा था उनके पास. तो जब ये लोग आए इसराइल में, सो दिस इज लॉट ऑफ अमालगमेशन ऑफ लाइक बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड. ठीक है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, वो ये जो लोग हैं ये पढ़ के यूएस से, यूरोप से, पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ के इकट्ठा हुए हैं इसराइल में. सो दे प्लस दे हैव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूएस. सो दिस मीन्स दैट दे वर एबल टू पुट ऑल दैट मनी इन यू क्रिएटिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो बेस्ट स्पाई इंस्टीट्यूट, मोसाद. इफ यू नो अबाउट मोसाद यू शुड रीड अबाउट इट. देर आर टू थ्री बुक्स ऑन इट. वेरी मतलब मोसाद यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पाई एजेंसीज इन द वर्ल्ड आफ्टर यू नो CIA. तो मेन रीजन फॉर दिस होल I2U2 वॉज, वन तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सब कंट्रीज का, रीजनल स्टेबिलिटी हो, वो इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस वॉज द की, क्योंकि इसराइल हैज वेरी गुड टेक्नोलॉजी. तो इसे कभी वेस्ट एशियन क्वाड या मिडल ईस्ट क्वाड भी कहा जाता है, या न्यू क्वाड भी कहा जाता है. फिर इसके अंदर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इसराइल जो है वो इंडिया को आर्म्स सप्लाई करता है सबसे ज्यादा. एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जो काउंटर टेररिज्म पे काम करता है और सिक्योरिटी पे काम करता है. उसके बाद हम इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएस की टेक्नोलॉजी भी बना है, वो हमें यूज करने के लिए मिलता है. फॉर एग्जांपल द फैल्कॉन AWACS, द हेरो ड्रोन्स एंड द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम. दीज आर सम ग्रेट अमेरिकन टेक्नोलॉजीज दैट वी गेट टू यूज बिकॉज ऑफ आर रिलेशनशिप विद इसराइल. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो था उसमें इसराइल की जो कंपनीज है लाइक IAI, इल्बिट सिस्टम, रफेल, ये इंडियन कंपनीज को लाइक टेक महिंद्रा, भारत
फोर्ज, अडानी, टाटा, इन सबको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ताकि वो चीजें स्पेशली डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड सिस्टम जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरी कंट्रीज पे ना डिपेंड रखना पर हो. दिस हैज बीन वन ऑफ द मेन मेक इन इंडिया. आपको लगता है क्या मेक इन इंडिया हैज ऑल बीन अबाउट कि ओ लेट्स ब्रिंग द मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स ब्रिंग, लेट्स मेक द टॉयज एंड द चेयर्स एंड द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम चाइना? नो, मेक इन इंडिया इज very small part of it is about other things. Big part of making India is to make our own, you know, security system. Aur usme where the technology comes from, it comes from Israel. Science and technology collaboration, joint science committee hai, jo 1993 mein established hui thi. Israel aur India jo hai, industrial R&D technology innovation fund hai, I4F, jo ki dono hi countries ke beech mein रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, उन पे जॉइंट काम करता है. MOU साइन हुआ है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट पर. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, इसराइल जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मॉडर्न डे पे, वो जगह इज अ डेजर्ट. तो वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, कोई फ्रेश वाटर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. तो दे हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ डीसेलिनेशन, वेयर दे यूज द वाटर फ्रॉम द सी डीसेलिनेटेड टू यूज फॉर यू नो ड्रिंकिंग. नाउ अब आपको पता है कि सब जगह ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी आर सीइंग कि पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है. क्योंकि इंडिया में भी जैसे आपने रिसेंटली सुना था, चेन्नई बेंगलुरु में पीने का पानी कितना कम हो गया है. देर आर स्टेट्स विद इन इंडिया जो लड़ रही हैं पानी के ऊपर. वी डिपेंड ऑन चाइना एंड पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन अस फॉर वाटर शेयरिंग, राइट? तो उन सब प्रॉब्लम से यू नो हम आगे बढ़ सकते हैं अगर इफ़ वी कैन यू नो वर्क विद देम एंड गेट दैट वाटर रिसोर्स टेक्नोलॉजी. और वो रिसेंटली भी लक्षद्वीप के टाइम में दे केम, जब मालदीव्स के साथ अभी झगड़ा नहीं चल रहा था, तो इसराइल केम टू लक्षद्वीप विद देयर डीसेलिनेशन प्लांट, सेइंग डोंट वरी, वील मेक लक्षद्वीप द न्यू मालदीव्स बाय यू नो वील हेल्प यू विद द डीसेलिनेशन एंड एवरीथिंग. बिकॉज आइलैंड्स पे भी पानी का वही प्रॉब्लम होता है. और एनर्जी एक्सप्लोरेशन, इंडिया का बिड है टू, सो इंडिया ने भी अपनी बिड डाली है. जो ये रीजन है विच इज द कोस्टल एरिया दैट इसराइल हैज, विच इज वेयर दिस इज गाजा, हेंस वाई गाजा इज बीइंग ऑब्लिटरेटेड. यहाँ पर दो जगहों पर, इन दो तीन जगहों पर इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज ने अपना बिड डाली है ताकि वो ड्रिल करके ऑयल सर्च कर सके. बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी ऑयल रिच रीजन, तो उसमें इंडिया ने भी अपना लाइसेंस डाला है तमार और लेवाथन गैस फील्ड में. और अनगोइंग डाइवर्सिफिकेशन एंड टाइज विथ अवार्ड्स टू इंडियन एंटिटीज लाइक ONGC, विदेश, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल. सो ये कंपनीज भी जो है इंडिया की वहां पार्टिसिपेट कर रही है विथ यू नो टू गेट एज मच क्लोज टू द ऑयल fields that are accessible to Israel as possible. Cultural exchange देखा जाए तो कुछ you know कि जब जर्मनी में इसराइल जूश लोगों का एग्जीक्यूशन हो रहा था, होलोकास्ट हो रहा था, एग्जीक्यूशन और होलोकास्ट हो रहा था, तब देर वॉज अ ग्रुप ऑफ जूश पीपल हु लैंडेड इन इंडिया, दोज हु वी कॉल पारसीज, राइट? तो इस वक्त करीब 85,000 जूस जो कि इंडियन डिसेंट के हैं, क्योंकि इंडिया में रहते थे, इंडियन ओरिजिन के हैं, वो इस वक्त यू नो दे आर वर्किंग देयर. प्लस देर आर मेनी जूस पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया ऑल्सो. और अकेडमिक कोलेबोरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, बहुत सारी फंडिंग है टू डू रिसर्च ऑन अकेडमिक सिंस मे 2013. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन एंड द इसराइल साइंटिफिक फाउंडेशन, बेसिकली कई सारे इंडियंस जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे टू लर्न. प्लस आपने रिसेंटली सुना होगा, न्यूज में आ रहा है कुछ दो तीन दिन से कि बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वॉर बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, इसराइल के पास ना वर्कर्स की बहुत कमी है, लाइक लेबर की, क्योंकि ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो इस वक्त मिलिट्री में हैं फाइटिंग ऑक्यूपाइंग पैलेस्टीन. तो इसलिए दे नीड पीपल टू डू द वर्क, सो दे आर बेसिकली गोइंग ऑन अ हायरिंग ड्राइव इन हरियाणा. एंड आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी रूड, बट आई जस्ट कांट वेट टू सी पीपल फ्रॉम हरियाणा लैंड इन इसराइल एंड सी हाउ कल्चरली शॉक्ड दे आर, बिकॉज इसराइल फॉर दैट मैटर इज क्वाइट मॉडर्न कंट्री. एंड वेल, हरियाणाज रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यू नो used to that kind of thing, so it will be a good thing to see. क्योंकि in country like Saudi Arabia and all ना, there is this understanding because वहाँ की population अपने आप को दूर रखती है, but Israel is a bit more European in that term, so it will be a nice thing to see how they adapt.
चैलेंजेस इन इंडिया इसराइल रिलेशनशिप, एक तो ईरान सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसराइल देखता है ईरान को एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और हम ईरान के साथ काम करते हैं ताकि हम अफगानिस्तान पहुंच सके। वो तो खैर मतलब चाबार पोर्ट के थ्रू, वो तो खैर अब यू नो अफगानिस्तान पहुंचना तो अब यूजलेस हो गया, लेकिन वी स्टिल वर्किंग ऑन द चाबार पोर्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव समथिंग इन अपोजिशन टू ग्वादर पोर्ट। सो दैट बिकम्स एन इशू बिकॉज इसराइल हेट्स ईरान, राइट? ईरान ओपनली थ्रेटन्स इसराइल, which is what they are doing in the Red Sea right now by attacking, you know, giving money to the Houthi rebels who are attacking the ships going to Israel. So, वो तो उनका हमेशा रहा है, जितना भी violence जाता है Israel के पास, वो usually start Iran में ही होता है, और India Iran को नहीं छोड़ सकता because of vested interest in the Middle East. So, that is one big challenge. Arab world approach, Israel has differences with Arab nations. In recent UN vote against US on Jerusalem underscored the significance of interest in Arab region. Basically, क्योंकि इंडिया कभी किसी का साइड नहीं लेती है अरब में, और बहुत एक वन आर्म डिस्टेंस पे रहती है, वेयर दे आर कोलैबोरेटिंग बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इजराइल, अगर अलाइनमेंट की बात की जाए तो इजराइल इज कंप्लीटली अलाइन टू यूएस, इजराइल इज लाइक यूएस इज इन मिडल ईस्ट, राइट? एंड इंडिया डजंट वॉन्ट टू शो दैट इट्स अलाइन, सो बट इट्स गेटिंग क्लोज टू इजराइल, सो इज चाइना getting close to Israel, but India is also getting close to Arab countries which they don't like. So it's like this non-aligning nature of, या फिर जो एक one arm distance nature है जो इंडिया का, वो खलता है ईरान इसराइल को थोड़ा सा. नेक्स्ट चाइना फैक्टर, ऑब्वियसली जैसे इंडिया बहुत बड़ा पार्टनर है वैसे चाइना भी है, उनके साथ में भी बहुत सारा यू नो एनर्जी को लेकर इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्होंने भी बायलेटरल टाइज बनाए हैं चाइना ने इसराइल के साथ, चाइनीज फर्म्स आल्सो वर्किंग इन द ओशन वेयर इंडिया इज गिविंग बिड्स फॉर यू नो सर्चिंग डिगिंग अप फॉर ऑयल, सो एवरीवेयर वेयर देयर इज इंडिया देयर इज आल्सो चाइना, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. द जब भी इसराइल के साथ कुछ होता है ना, वी डोंट वॉन्ट टू टेक अ स्टेप अहेड, बट देन वी सी चाइना टेकिंग अ स्टेप अहेड, सो वी हैव टू, बट देन वी टेक अ स्टेप अहेड एंड देन इसराइल इज लाइक देन व्हाई आर यू स्टिल टॉकिंग टू ईरान, and then we can't stop talking to Iran, so you see what's happening, right? दोनों तरफ से ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं. फिर जो balancing historical ties है, problem ये है कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे ties थे पैलेस्टीन के साथ में, तो अब जो नए relationship बन रहे हैं इसराइल के साथ, they are sort of overshadowing our old relationship, right? It's like if you could imagine this, it's like we supported Palestine for the longest period, but now that you know it's becoming difficult, we are still following an evolving relationship with Israel, even though we don't like what they are doing. So sort of that. The progress of the free trade agreement is hindered due to apprehension raised by the Indian domestic industry. So India ki jo domestic industry hai, unko bahut problem hai with Israel's industrial industry, because Israel is way, way, way more advanced than it. So, अगर India अपनी economy खोलता है Israel के लिए, तो it would mean that Indian industries will have to compete with Israeli industries who are at par with US. So, that would mean that Indian industries will suffer. So, that also internal pressure भी है कि they don't want to have. तो उनके बीच में जो ties होने हैं economic, वो नहीं हो पा रहे हैं, FTA नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनका product obviously much more better than ours. Now let's talk about India-Palestine relationship. India और Palestine के relationship जो है, they have made history by you know creating the relationship, because India was the first one, first non-Arab state जिसने Palestine को, Palestine Liberation Organization को legitimacy दी थी, sole and legitimate representative of Palestinian people. उसके पहले तक सिर्फ यू नो अरब कंट्रीज थी, बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज तो यूएस के साथ साथ रहना चाहती थी, राइट? तो इसलिए दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग टू इसराइल. 1988 में इंडिया ने एक कमिटमेंट दिखाया टूवर्ड्स इसराइल बाय यू नो फर्स्ट नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन. 1996 में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला पैलेस्टीन में, जो पहले गाजा सिटी में था और बाद में रामल्ला में शिफ्ट हो गया था 2003 में. 2011 में इंडिया ने पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया था कि उन्हें फुल मेंबर बना दिया जाए यूनेस्को का. इंडिया ने को स्पॉन्सर भी किया था और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में वोट भी किया था इस बात को कि पैलेस्टाइन शुड बिकम अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट इन द यूएन, वेयर दे कैन पार्टिसिपेट बट नॉट वोट, क्योंकि उनकी स्टेटहुड थोड़ी सी यू नो नॉट श्योर थी. तो इंडिया वॉज
all pro-Palestine for the longest period. But then comes the de-hyphenation policy. De-hyphenation मतलब क्या होता है? Basically, hyphenation simply means कि जब Cold War चल रहा था, Cold War में your actions mattered only if you made sure who you were aligned to. Either you were with Israel, you were US or you are with USSR. You could not deal with both of them. Any step towards one person would mean a step against the other person. So, उस time पर we were also following this hyphenation policy बहुत जरूरी थी. But India was one of those countries जिसने de-hyphenation policy चालू करी. वहाँ पे वो क्या करते हैं basically? दो opposite group के countries के साथ में same रिश्ते रखना. That's what de-hyphenation is. So, the de-hyphenation policy signifies India's effort to distinctly manage relationship with both Israel as well as Palestine. Historically, India ने stance लिया है कि Israel-Palestine conflict में कि ये बहुत ज़्यादा, you know, India has been heavily influenced by the Arab countries and has always been for Palestinian cause. तो ये चीज़ Israel को, US को पता है कि बहुत ज़्यादा अगर झुकाव है इंडिया का तो वो पैलेस्टीन के ऊपर ही है. और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी था देखने में ऑन ऑल द डिसीजंस दैट इंडिया हैड टेकन ड्यूरिंग दैट टाइम. रीसेंट इयर्स में इंडिया ने एक बहुत बड़ा एंडेवर लिया है, स्टेप लिया है कि वो दोनों इसराइल और पैलेस्टीन के साथ रिलेशनशिप बढ़ाए और उसमें इसराइल के साथ रिश्ता सबसे ज्यादा ब्रॉड हुआ है. ठीक है, सो दैट हैज बेसिकली लेड टू दिस डी-हाइफनेशन पॉलिसी. Under this policy, India actively engages with both Israel and Palestine on separate tracks, independently pursuing its interest with each nation without questioning their, you know, relationship with the other one. India's relationship with Israel is now established on its own merit. तो इंडिया ने इसराइल के साथ रिलेशनशिप इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो यूएस के साथ थे, या उन्होंने पैलेस्टीन के साथ रिलेशनशिप इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो यूएस के अगेंस्ट थे. The relationship that India has formed with Israel is literally sort of they want to show it like it's been very independent. Zarurat thi isliye banaya hai, not because we still like we have changed our mind about the Palestinian cause, but still because it was independently important, hence things have been done. So uski khud ki merits hai, distinct or detached relationship hai Israel ke saath without, you know, breaking the relationship with Palestinians. While the hyphenation was a Cold War era compulsion, इंडिया हैज परसिस्टेड दैट आजकल जरूरत नहीं है इस तरीके के एंटागनाइजेशन की कि आप या तो इसके साथ हो या उसके साथ हो, आप दोनों के साथ रहकर भी काम कर सकते हो. अब लेट्स मूव ऑन टू इंडिया यूएई रिलेशनशिप. यूएई एज जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया अनदर कंट्री दैट वी हैड नॉट सो गुड रिलेशनशिप बिकॉज हमने इवन दो रिलेशनशिप वॉज स्टैब्लिश इन 1972 यू विल नॉट सी अ लॉट हैपनिंग टिल लाइक 2014 के बाद से आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज इलेक्टेड उसके बाद से आप देख रहे हो रिश्ता उसके बीच में इतना अच्छा नहीं था. इवन तो ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं था, एम्बेसीज थी, लोग कई सारे जाते हैं वहां पे काम करने के लिए, बहुत सारा ट्रेड भी होता है, बट इट वॉज नॉट स्ट्रेटेजिक. यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑल कंट्रीज हैव रिलेशनशिप बिकॉज वी यू नो एक्नॉलेज ईच अदर्स प्रेजेंस कि आप भी एक देश हो हम भी एक देश है, और एक होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन. दैट वॉज नॉट देयर, दैट ओनली स्टार्टेड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्योंकि वो छह बार गए हैं यूएई सिंस 2015 और उन्हीं के कारण यूएई के प्राइम मिनिस्टर चार बार सेपरेट ओकेजन पर इंडिया आए हैं 2016 से. सो क्लियरली वी हैव सीन की On one side we are taking steps towards Israel, but we are also taking steps towards UAE. अब UAE का क्या importance है इंडिया में? एक तो terrorism से counter करने में बहुत ज़्यादा importance है UAE का, because Arabian Sea और Indian Ocean वाले region में UAE helps us a lot with, you know, making sure that area is safe and not used for terrorist purposes. उसमें joint exercises बहुत सारी including desert cyclone जो कि military exercise है, ज़ायद तलवार जो naval exercise है, desert eagle air force exercise है जो इन countries के बीच में होती है, because दोनों ही चाहते हैं कि इस region को जो है safe रखा जाए क्योंकि उनका भी interest है और हमारा भी interest है. Energy security, UAE sixth largest exporter है crude oil का इंडिया के लिए और एक बहुत key role play करता है इंडिया की energy security में. उसके बाद UAE जो है वो first ऐसा international partner था जो इंडिया की strategic petroleum reserve program में इन्होंने invest किया था. What is reserve program, strategic reserve program? हम सबको पता है कि petrol जो है या crude oil बहुत important है, right? पर countries को डर लगता है कि अगर कभी war छिड़ दी है तो suddenly पेट्रोल का ट्रेड बंद हो जाएगा और
पेट्रोल के ऊपर हमारा पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है, उसी से प्लेन उड़ते हैं, उसी से शिप्स चलती है, उसी से गाड़ियां चलती है, उसी से बिजनेसेस चलते हैं, एंड इफ देर इज नो पेट्रोल द इकोनॉमी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. दिस फियर मेड लॉट ऑफ बिग कंट्रीज टू हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए क्योंकि ज्यादातर वो बताते नहीं है कि उसमें कितना रिजर्व है और कहाँ पे है, क्योंकि अदरवाइज तो दे विल बी अटैक्ड, राइट. तो इसलिए हर कंट्री अपने अपने हिसाब से कुछ रिजर्व रखती है ताकि इनकेस अगर रिलेशनशिप सेवर हो जाते हैं तो भी विद इन द कंट्री दे कैन मैनेज फॉर फ्यू डेज. तो हर कंट्री का कुछ दिन तक का रिजर्व होता है. ओके, सो नेक्स्ट, जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफकोर्स दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ UNFCCC, ICA, I2U2 पे भी साथ में है, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहे हैं जो मुंबई से होता हुआ यू नो विल गो टू यूरोप. तो कई सारे एरियाज पर यू नो, और प्लस इंडिया जो UAE है वो इंडिया की UNSC में परमानेंट मेंबर को भी सपोर्ट करता, तो इसीलिए UAE इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. 6 बार क्यों गए मोदी जी? बिकॉज वी वॉन्ट दैट सीट, एंड वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज दैट इज सपोर्टिंग दैट इज UAE. सो वी वॉन्ट टू बी इन देयर गुड ग्रेस एज मच एज पॉसिबल. और दूसरा, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में उसको काउंटर करने के लिए UAE के साथ अच्छी रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपांड हो रहे हैं वैसे वैसे चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बनाता जा रहा है, और विथ BRI इंडिया का रिलेशनशिप UAE से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अदरवाइज विथ BRI इट विल गो टू, मतलब देयर रिलेशनशिप विल बिकम वेरी गुड विथ चाइना, एंड दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि फिर हमारी रिक्वायरमेंट वापस खतरे में आ जाएगी. तो इसको रोकने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे UAE के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो. Strengthening ties with India to counter China's growing influence in the region. Even for that matter, UAE doesn't want China to be so influenced, because again, what is China doing other than creating that BRI? They are also taking over ports in Arabian Sea and multiple ports around this region, and this is not good for UAE also, because in countries ka bhi trade wahi se jata hai. Now, better coordination with regional grouping antagonistic to India. Problem ye hai ki इन कंट्रीज में बहुत, जैसे बताया हमने बात करी कि इंडिया जो है थोड़ा सा वन आर्म डिस्टेंस रखता है इन कंट्रीज के साथ में, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप, लाइक इट्स लाइक फायर, इफ यू आर नियर देम यू विल बी वार्म, बट इफ यू गो टू नियर टू देम यू विल बर्न, उस टाइप का रिलेशनशिप है. तो उस ग्रुपिंग के एंटागोनिस्टिक ना हो सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया UAE के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे. UAE का जो है बहुत इन्फ्लुएंस है ऑन यू नो गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन एंड OIC वगैरह में. इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पोटेंशियल OIC मेंबरशिप, ठीक है, ऑयल की जो ये कोऑपरेशन है उसमें मेंबरशिप मिल सकती है, इंडिया CG का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है, दैट वुड मीन अ लॉट टू इंडिया, राइट. अब जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? UAE में 3.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा सोर्स है रिमिटेंसेस का. जो हमने बात कही थी, रिमिटेंसेस इज द मनी दैट पीपल हु लिव आउटसाइड सेंड बैक टू इंडिया. UAE स्टैंड्स एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद अ ट्रेड वॉल्यूम नियरिंग 60 बिलियन. सीपा अग्रीमेंट भी है जो एम करता है कि नॉन ऑयल, तो ऑयल ट्रेड तो है अपनी जगह पे, पर ऑयल के अलावा वाला ट्रेड भी यू नो 2030 तक 100 बिलियन का हो जाए, इसके लिए वो सीपा अग्रीमेंट पे भी काम कर रहे हैं. UAE का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत सारा, फॉर एग्जांपल टोटलिंग ऑलमोस्ट 11.67 बिलियन, रैंक एज द 9th लार्जेस्ट इन्वेस्टर. सो UAE इज द 9th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया. ऑल्सो UAE इज आर गेटवे टू अफ्रीका, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कनेक्शन एंड लाइक ऑलरेडी क्रिएटेड पाथ ऑफ ट्रेड टू अफ्रीका, एंड इंडिया वॉन्ट्स टू टैप इन टू दैट. सो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद UAE विल प्रोवाइड इंडिया विद एक्सेस टू अफ्रीकन मार्केट एंड ट्रेड पार्टनर्स इंक्लूडिंग GCC एंड ग्रेटर अरब गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन एंड ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे. तो बेसिकली इंडिया अरब कंट्रीज UAE का ऑलरेडी एक मार्केट बना हुआ है इन अफ्रीकन कंट्रीज, और बेसिकली इंडिया की और UAE की रिलेशनशिप अच्छी होगी तो इंडिया विल बी एबल टू ज्वाइन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मार्केट एंड एंटर अफ्रीका टू काउंटर चाइना. सेम चीज, अपॉर्चुनिटीज अराइज फ्रॉम इंडिया टू इंटीग्रेट इन टू द सप्लाई चेन. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है UAE का, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है विद हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. सो नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड UAE रिलेशनशिप? सबसे पहला है टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स. द आइडिया इज कि देर इज अ डिफरेंस इन हाउ वी प्रोड्यूस एंड यूज फूड, स्पेशली पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड. तो इसीलिए बहुत सारे बैरियर्स हैं, स्पेशली यू नो
सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स प्लस टीबीटी विच इज टेक्नोलॉजिकली बैरियर इन ट्रेड्स, टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल बैरियर इन ट्रेड, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जितना ट्रेड हो सकता है उतना नहीं हो पा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। चाइना की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है उससे बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज जितना भी हम एफर्ट लगा लें चाइना ऑलवेज हैव मोर मनी देन अस, सो दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस अ लॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यू कैन कंपेयर इट लाइक दिस कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो यू नो देर आर सम पीपल जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट देन देर आर सम पीपल हुज पेरेंट्स आर वेरी रिच सो दे आर एबल टू पे थ्रू थिंग्स, राइट? समथिंग लाइक दैट, वेयर इंडिया हैज़ टू स्ट्रगल टू गेट थिंग्स बट चाइना कैन जस्ट राइट चेक्स इन बिकॉज इट्स जस्ट सो मच मनी दे हैव। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इज दिस कफाला लेबर सिस्टम, विच इज वॉट वी कैन से इज अ प्रेजेंट डे स्लेवरी। क्योंकि कफाला सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से जो लेबर्स जाते हैं उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, उनसे पहले कुछ सिग्नेचर साइन करा दिए जाते हैं और उनको मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से उनको फंसा दिया जाता है कि दे आर नॉट एबल टू कम बैक, और फिर उनसे ग्रूसम तरीके से काम कराया जाता है इन वेरी बैड कंडीशन और टू द पॉइंट वेयर दे बेसिकली दे आर ऑलमोस्ट लाइक स्लेव्स। सो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बिग इशूज बिटवीन इंडिया एंड यूएई अबाउट, यू नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखी है मैंने इसके ऊपर एंड इट्स वेरी टेरिबल। और उसमें पता क्या होता है फिर टू सी कि हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है यूएई में, फिर देखना कि भाई प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं उनके देश में, इट्स सॉर्ट ऑफ फील्स वेरी धोखा वाली फीलिंग आती है थोड़ी कि यू नो हाउ दे आर ट्रीटिंग इंडियंस देयर एंड देन यू नो बिकॉज वी वॉन्ट बिकॉज ऑफ सम लार्जर पॉलिटिकल स्टेटस वी हैव टू यू नो मीट विद देम, सो दैट सीम टू बी अ बिग इशू। उसके बाद यूएई की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है पाकिस्तान को उसके ऊपर बहुत इशू रहता है। उसके बाद बैलेंसिंग डिप्लोमेटिक टाइज में यूएई और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वो इंडिया को भी चैलेंज करता है, क्योंकि फिर क्या करें, अब वापस वही बात हो गई ना जो सऊदी अरेबिया के साथ और ईरान के बीच में हो रही थी कि हमें ईरान की मदद चाहिए टू काउंटर पाकिस्तान एंड टू गेट इन टू अफगानिस्तान एंड टू काउंटर चाइना इन यू नो विद द पोर्ट चाबार एंड गोदार पोर्ट। अब यही सेम इशू ईरान और यूएई के बीच में भी है, सो दैट्स ऑल्सो एन इशू। नाउ वे फॉरवर्ड, हाउ कैन इंडिया गो अहेड एंड हाउ टू मेक श्योर दैट दिस एंडेवर इज सक्सेसफुल। सबसे पहले तो कि इसराइल, सऊदी अरेबिया, बहरेन और इन नेशन के साथ में सिक्योरिटी और मिलिट्री पैक्ट बना के रखें ताकि हम टेररिज्म से लड़ सकें, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी ताकि, क्योंकि इतना ज़्यादा मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल वेस्ट एशिया, यू कैन नॉट बी थिक फ्रेंड्स विद एनीवन, ठीक है? आपको स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंस बना के रखनी पड़ती है कि यू डोंट सीम लाइक यू आर टेकिंग टू मच साइड ऑफ वन कंट्री, बिकॉज सबका आपस में कुछ ना कुछ लफड़ा है और सबका आपस में कुछ ना कुछ दोस्ती है एंड आप किसी भी वक्त एंटर करते हो तो यू कैन जस्ट प्रेस द रॉन्ग नर्व। सो यू हैव टू मेक श्योर इंडिया हैज टू मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस वेयर इट हैज टू बी मेड क्लियर कि हम किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ उतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितना कि हमें जरूरत है, ठीक है? स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू चाइना का इन्वॉल्वमेंट को काउंटर करने के लिए। उसके बाद सी लेंस की सेफ्टी के लिए, एंटी पायरेसी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए जरूरी है कि और स्पेशली अन इंटरप्टेड सप्लाई चेन के लिए जरूरी है कि हमारे रिश्ते ऑलमोस्ट सब कंट्रीज से अच्छे हों, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इंडिपेंडेंट रहें बट सपोर्ट करें। अगर आप इंडिपेंडेंट हो और आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो भी वो गुस्सा हो जाएंगे कि अच्छा जब यू नो यू आर नॉट सपोर्टिंग अस इन आर कॉज सो व्हाई शुड वी सपोर्ट यू इन योर कॉज, राइट? बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू टेक साइड्स बिकॉज दैट वुड एंगर, बिकॉज इट्स अ वेरी थिन बैलेंस एंड यू पार्टिसिपेट विद वन टू मच एंड द अदर वन गेट्स एंग्री एंड देन यू नो हर तरफ से लाइनें कटी हुई है कि ईरान को सपोर्ट करना है क्योंकि चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया को करना है क्योंकि इसराइल है, यूएस को करना है, सो एवरीथिंग इज फाइनलाइज एंड यू कांट जस्ट इफ यू चेंज वन थिंग। हैविंग रिलेशनशिप विथ मेकिंग चेंजेस इन आर रिलेशनशिप विथ एनी कंट्री इन वेस्ट एशिया इज लाइक गोइंग इन पास्ट विथ अ टाइम मशीन एंड चेंजिंग समथिंग, इट विल जस्ट चेंज सो मेनी थिंग्स इन द प्रेजेंट दैट यू कांट रियली प्रिडिक्ट क्या होगा। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की जाए, क्योंकि देखो इवन अरब कंट्रीज ने एक चीज रियलाइज कर दी है कि वो अपनी पूरी फ्यूचर को क्रूड ऑयल पर नहीं डिपेंड कर सकते, इसीलिए सम ऑफ द मोस्ट यू नो इन्वेस्टमेंट दैट कम्स इन टू न्यू
forms of energy, especially solar energy and electric energy and all of this, it comes from Saudi Arabia. And Saudi Arabia and Middle East, because उन्हीं को पता है सबसे ज़्यादा कि अगर countries हमारे पे depend ना होने के लिए ये सब चीज़ें develop करती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हम ही को होगा. तो why not just target the next step, the next obvious step, and you know also take care of the technology that will replace the crude oil. So वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम you know maintain करके रखें, advocate for regional sustainable development with I2U2 grouping. उसके बाद more western countries को I2U2 में membership लेके आए, investment clean energy में, solar panel और electric vehicle का और investment बड़ा है west asia में. cultural exchange करें, जैसे कि Indian cultural center खोला है दुबई में और उस तरीके के बहुत सारे cultural event showcase मतलब करें. और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डायस्पोरा लिविंग इन दीज कंट्रीज. तो ऑलरेडी वो वहां रहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि वहां एक तो इट मींस की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है और दूसरा उन्हें ऐसे निचला दिखा जाता है. तो वो उस पर काम करने की जरूरत है कि कैसे वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव व्यू अबाउट इंडियंस इन दिस रीजन एंड यू नो क्रिएट मोर और बेटर कल्चरल टाइज एंड मल्टी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट, कि एक मल्टी फेजेड इंगेजमेंट हो ताकि ऐसा ना लगे कि हम किसी एक कंट्री का बहुत साथ दे रहे हैं, ऐसा लगे कि हम पूरे वेस्ट एशिया के भले के लिए काम कर रहे हैं और किसी की भी पावर के लिए, किसी भी ग्रेट पावर को अपीस करने के लिए किसी एक कंट्री को प्रायोरिटाइज ना करें. ये बहुत जरूरी है. दिस इज वन, बिकॉज एज आई सेड, वन रॉन्ग मूव एंड वी विल लूज सो मच दैट वी वोंट इवन नो हाउ मच वी हैव लॉस्ट. सो इसीलिए यू हैव टू डील विथ West Asia like how you will deal with if you had a time machine and go in past, like very carefully, don't take any harsh steps because one small wrong move and it will completely change. And इसीलिए जो last तीन दो सालों में अगर आप देख रहे हो, since not दो साल, even 7th October से देख लो, जब से Israel और Gaza, Hamas इनके बीच का झगड़ा चालू हुआ है, news especially Indian news media hawk की तरह हर event को check करती है कि क्या हो रहा है, because anything could change and suddenly we will be in a, matlab one small wrong move from one country and we could be in a war which will be devastating to India and Indian economy. So that's where the importance of this country comes and isiliye UPSC mein ye bahut important ho jata hai, theek hai. पहले ऐसा होता था कि जब IAS officers होते, IFS officers होते थे ना, तो usually ऐसा कहा जाता था कि if you are targeted in like say Gulf countries या फिर you are in African countries, इतना importance नहीं होता था. You know, those who were important were the ones who were in Europe or America, है ना, और Russia और China, इन countries में. But you will see now the most important diplomats are the one who are present in the Middle East, because how sensitive it is. So you need your best men in the front, men and women in front to work there. So you will see a lot of effort being put by India to make sure to have a good and a positive presence in the Middle East, and that's very important. And इसीलिए UPSC में भी कई सारे सवाल इस point of view से आते हैं, specially geography और political issues और history को लेकर आते हैं. So sit down and make very detailed notes of whatever is happening in the, you know, this region, because everything is important. Deep dive karo har topic ke andar. That is the best way to tackle this topic. Thank you so much for listening. I hope this class was interesting for you. Have a nice day. Bye. If you have any questions, I'll answer them in the next class. Comment mein likh dijiye. Bye. Have a nice day.